तो बेटा लेबर मार्केट में हमने लास्ट क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है, मैंने बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाला समझाया था आपको, और हमने बेसिक लेवल का लेबर सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है, ऐसा देखा गया है कि ये टॉपिक मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस पे एक या दो नंबर की बात पूछ ली जाती है, और कभी कभी 15 के 15 नंबर इस पे पूरे आ जाते हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये हमारा बाइंग एंड सेलिंग का पार्ट है, तो सरस की और बाइंग एंड सेलिंग में से 15 से 30 नंबर की वेटेज है। तो यार गाइस, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है इसको स्किप करने का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी इसी चीज को कंटिन्यू करूं तो दो तीन बातें मुझे और समझानी है आप लोगों को। देखिए, आप इस प्लीज इस चीज को माइंड में रखिएगा कि ये बात हमें पता है कि इन्हें लेबर मार्केट, इन्हें लेबर सप्लाई कंसेप्ट, वी हैव अ यूटिलिटी फंक्शन। जस्ट कंसेप्ट भी आप समझिएगा, हम लोगों के पास एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जो कंजम्पशन और रेस्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। हमारे पास, मैं अब टेक्निकल बात कर रहा हूँ आप लोगों से, हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जो कंजम्पशन और रेस्ट का फंक्शन होता है, एंड हमारे पास एक बजट कंस्ट्रेंट होता है, मतलब ये तो हमारी यूटिलिटी, और एक हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट होता है। वो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं डिराइव ना करके सिर्फ फॉर्मूला लिखूं, तो आप प्लीज स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना प्लीज गाइस। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है WR+PC WT+N, जिसमें आप सिर्फ इन सिंबल्स को एक्सप्लेन कर दो। जैसे W इज द वेट, नो डाउट समटाइम W इज आल्सो नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेस्ट। वट एवर वॉन्ट यू चूज अ रेस्ट अमाउंट, यू हैव टू पे अ W। आपको W तो पे करना पड़ेगा अपने किसी भी रेस्ट अमाउंट के लिए, ठीक है। तो W द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड R इज द रेस्ट, P इज द प्राइस ऑफ द होल कंजम्पशन, राइट। P इज द प्राइस ऑफ द होल कंजम्पशन एंड C नो डाउट इज द कंजम्पशन व्हिच इज लेस देन और इक्वल्स टू WT+N, वेयर W इज अगेन वेजेस, T इज द टोटल टाइम अवेलेबिलिटी एंड N इज द नॉन लेबर इनकम। बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये शो करता है टोटल इनकम, विच इज बेसिकली एक्सपेक्टेड इनकम। क्योंकि देखो, मैं अगर फुल टाइम काम करूंगा तो इतनी मेरी मैक्सिमम इनकम होगी, ठीक है। एंड दिस इज माय नॉन लेबर इनकम, सो दिस इज माय टोटल इनकम एंड दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर साइड। मतलब मुझे कुछ पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि मुझे कुछ कंजम्पशन में खर्च करना है, और कुछ पैसा इसलिए भी कमाना है क्योंकि मुझे आराम भी खरीदना है। समटाइम पीपल परचेज द आराम रेस्ट। जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो सुधीर सर ने क्लास कल ली थी, तो सुधीर सर ने बताया कि आपको अब 6-7 दिन तक क्लास नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी क्लास, ये नहीं बताया कि वो गोवा गए आज घूमने, ठीक है। गोवा, ठीक है, आज अभी निकले, थोड़ी देर पहले मुझसे मिलने आए थे, थोड़ी देर पहले गोवा घूमने गया। समझो बात को, मैं क्यों उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और उनसे मैंने पूछा, सर किसी काम से जा रहा हूँ? नहीं सर, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे करता हूँ, कभी मैं थक जाता हूँ, मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ। तुम भी ऐसे करते हो, तुम थक जाते होंगे तो घूमने चले जाते होंगे, मतलब रेस्ट करने चले जाते होंगे, तो खर्चे भी हो रहे हैं, और जिस टाइमिंग में तुम आराम कर रहे हो उस टाइमिंग में तुम काम नहीं कर रहे। सो अगर उस टाइमिंग में तुम कुछ काम करते तो कुछ कमा लेते। अब सुधीर सर 10-12 दिन 8-10 दिन क्लास नहीं लेंगे, मैं लूंगा, समझना एग्जाम्पल। तो इन टाइमिंग में कुछ अर्निंग उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी। टेक्निकल बात क्या है, उन्होंने इस आराम के लिए W पे करा, राइट। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट गाइस, आप इन दोनों की हेल्प से एक ऑप्टिमम वैल्यू सॉल्व करोगे, ठीक है, जो आप बेसिकली कंजम्पशन, रेस्ट और लेबर सप्लाई होगा, ठीक है। कंजम्पशन निकालोगे, रेस्ट निकालोगे और लेबर सप्लाई होगा। अब बात ये आ जाती है कि सर व्हाट अबाउट दिस। देखो, सारा गेम बस इस पर डिपेंड है। सारा गेम किस पर डिपेंड है गाइस? यूटिलिटी पर डिपेंड है सारा का सारा गेम। मतलब अब ये क्या क्या हो सकती है, आप जरा माइंड में समझिएगा। जैसे टेक्निकली मैं आपको बोलूं तो C, R क्या क्या हो सकता है। ये C की पावर अल्फा, R की पावर बीटा, ये ऐसा हो सकता है, या सी वो जो अल्फा बीटा वो बराबर हो सकते हैं, 1 के बराबर हो सकते हैं, या वो हाफ के बराबर हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कुछ भी हो सकता है अल्फा बीटा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये प्रेफरेंस बन गया, एक प्रेफरेंस बन सकता है ये C+R, ठीक है। एक प्रेफरेंस बन सकता है ये मिनिमम ऑफ C, R, ठीक
ठीक है। सो मेरा मतलब ये कहने का कि जो आप लोगों ने कंज्यूमर थ्योरी में, समझ में आ रही है मेरी बात, जो आप लोगों ने कंज्यूमर थ्योरी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आपने कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ा था यूटिलिटी एक्स कॉमा वाई कंज्यूमर में, जब आपने आपने डिमांड फंक्शन निकाले थे तो वहां पे एक्स कॉमा वाई होता था, तो बस आप इसको ऐसे सॉल्व करना, एक्स आपका सी हो गया, वाई आपका आर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर किसी क्वेश्चन में पांच पार्ट्स हैं तो तुम देख लो कि पांच में से पुराने वाले मतलब वो पार्ट्स जो पुराने वाले इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है वो कौन कौन से हैं। तो जब भी क्वेश्चन आया सॉल्व फॉर दी ऑप्टिमम वैल्यूज, तो वो पुराने वाली इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। आई नो यू, आई नो वेरी वेल कि आपको ये सॉल्व करना आता, आपको ये सॉल्व करना आता, आपको ये सॉल्व करना आता, इवन मैं कुछ भी बात करूं, ठीक है, टेक्निकली। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, तो जब भी आप बजट कंस्ट्रेंट के बात करें तो आपको स्लोप की जरूरत पड़ेगी, तो स्लोप ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट हमेशा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल। ये मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूं लास्ट क्लास का और थोड़ा सा टेक्निकल वेज में, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल, ठीक है। ये बात मैंने आपको हमेशा सिखाई, अब आपकी बजट लाइन अगर ये है डब्ल्यू आर प्लस का पीसी, तो आप लोग पहले ये समझ लो कि डायग्राम में आप एक्स एक्सिस पे क्या मानोगे और वाई एक्सिस पे क्या मानोगे, ये पहले आप लोग अपने माइंड में फिट कर लो। क्या कि एक्स एक्सिस पे तुम्हें फिर पता है क्या होगा, जो तुम एज्यूम कर लोगे इनिशियली फिर आखिर तक वही रखना है तुम्हें। तो जनरली एक्स एक्सिस पे आर होता है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन होती है। तो अब तुम देखो आर का कॉफिशियंट है डब्ल्यू और सी का कॉफिशियंट है पी, तो स्लोप ऑफ दी बजट कंस्टेंट इज ऑलवेज डब्ल्यू बाय पी। अगर आपके तो ठीक है सर, अब जरा पुरानी वाली बातों से कनेक्ट करो, तो शायद पहले बजट लाइन, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू आर प्लस का पी सी इज लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू टी प्लस का एन थी, ठीक है, ये थी ऐसी पुराने पहले क्या आता था, पी वन एक्स प्लस का पी टू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम होती थी, याद आया कुछ। तुम देखो इसका स्लोप क्या होता था, पी वन अपॉन में पी टू होता था, तो आज इसका स्लोप डब्ल्यू बाय पी हो जाएगा, ठीक है। वहां यहाँ पे ये पूरी इनकम है, वहां पे ये वाली इनकम हुआ करती थी, ठीक है। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। चलिए आगे बात करता हूं मैं, मेरा मतलब बस ये है कि मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ इन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सॉल्व करने में, क्योंकि आपको सॉल्व करना आता है, मैं पूरा फॉर्मेट फॉर्मेट सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है बेटा, पूरा फॉर्मेट। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ लेबर मार्केट का कंसेप्ट पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में एक्सपेक्टेड है और आपके असाइनमेंट सेट में जितने भी एक्सपेक्टेड है सारे करवा देता हूँ, फिर कमिंग सैटरडे संडे में हम लोग इंटरटेम्पोरल चॉइसेस को फिनिश कर देंगे, राइट। चलिए अब जरा एक चीज समझिएगा आप लोग, एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि What happened if there is a change in, अगर change in wages होगा, ठीक है, तो आपका optimum rest कितना होगा, ठीक है, या फिर what about your labor supply, ठीक है। ये दो question important रहते हैं, ठीक है, wage change हुई, ठीक है, तो उससे ऑप्टिमम रेस्ट कितना होगा एंड साथ साथ लेबर सप्लाई कर्व क्या होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट अबाउट रेस्ट एंड व्हाट अबाउट लेबर सप्लाई कर्व। तो यहां से हम लोग अपनी आज की क्लास का कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं से कंटिन्यू होती है हमारी। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, जस्ट एग्जाम्पल, हमारी हमारी इकोनॉमी के अंदर वेजेस में चेंजेस आए, ठीक है, चलो मैंने मान लिया वेजेस में चेंजेस आए, ऐसा मान लो वेजेस इंक्रीज हो गई, तो वेजेस इंक्रीज हो गई तो यहां से दो कंसेप्ट निकल के आ जाते हैं, दो चीजें समझेगा आप लोग, ठीक है गाइस। वेजेस इंक्रीज हो गई, जब वेजेस इंक्रीज हुई है तो क्या आया, देखो एज वेजेस इंक्रीजेस, ठीक है, तो वेज बेसिकली किसकी कॉस्ट होती है, रेस्ट की कॉस्ट होती है। अगर आप समझे तो वेज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेस्ट, तो अगर वेज बढ़ेगी तो ध्यान रखना जो रेस्ट है, रेस्ट बिकम्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं,
सुधीर सर अभी घूमने गए, ठीक है, और अगर वो मैं कहता सर जनवरी में घूमने चले जाना, एग्जाम्पल में कहता कि सर एक काम करो जनवरी में घूमने चले जाना या मैं जनवरी में घूमने चले जाऊं, तो क्या ये अफोर्डेबल होगा हमारे लिए? क्योंकि तो जनवरी में हमारे एमए के कम से कम 6 बैचेस बनेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एमए का 1.5 ईयर बैच बनेगा, एमए का 0.5 ईयर बनेगा, एमए का स्पेशल बैच बनेगा, एमए का स्पेशल डीएससी आईएसआई, जस्ट एग्जाम्पल, और मल्टीपल बैचेस बनेंगे, तो क्या उस टाइमिंग में हम अफोर्ड कर पाएंगे? उस टाइम में घूमने चलेगा तो बैचेस नहीं बने, लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, बस उस टाइम अफोर्ड, तो उस टाइमिंग में मान के चलो उस टाइमिंग में हमारे लिए जो रेस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ये वेज बढ़ना ही हो गया उस टाइमिंग में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट महंगी हो रही है, तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव। ध्यान रखना जब भी कोई भी चीज एक्सपेंसिव होती है तो रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज, रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू ऑब्वियस बातें क्या करेगा, अगर रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो रही है, ट्राई टू नॉट कंज्यूम और परचेज एक्सपेंसिव कमोडिटीज। समझ में आई मेरी बात? ये एक रैशनल कंज्यूमर की बात आ रही है। अब यहां पे आप बिल गेट्स को बोल दो, मुकेश अंबानी को बोल दो, किसी को भी कह दो, अगर आप कहते हो कि सर मुकेश अंबानी को क्या फर्क पड़ रहा है, वेज बढ़ रही है, हाँ फर्क पड़ रहा है, तुम देखो उसने एंटीला एक बनाया, दो चार पांच क्यों नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेंसिव चीपर की बात सोच रहा है, उसको लग रहा है यार ऐसा नहीं है। अभी अगर आप पढ़ोगे तो उसने दुबई में भी एक अभी पूरा बंगला लिया है, अराउंड 100 करोड़ से ऊपर का, उसके जो छोटा बेटा है उसके लिए उसने बंगला लिया है, पता नहीं क्या लिया है, जो भी है 100 करोड़ के आसपास का उसने लिया है, ये क्यों उसने उसके लिए भी एंटीला नहीं बना दिया? उसको पता है कि वो एक्सपेंसिव चीज है, तो एक्सपेंसिव चीज को वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, अब उस जैसा एंटीला जैसा बनना फिर से कॉस्टली, समझ में आ गई मेरी बात? तो उसने 100 करोड़ रुपए का छुट, उसके 100 करोड़ तो बहुत थोड़े से हैं, तो टेक्निकली यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ रैशनल कंज्यूमर की, तो रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू नॉट कंज्यूम परचेज एक्सपेंसिव कमोडिटीज, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट दैट द रेस्ट इज बेसिकली डिक्रीजेस, ठीक है, जैसे रेस्ट कम होगा इसका मतलब ऑटोमेटिकली वर्क बढ़ेगा, और वर्क जब बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा कि लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, लेबर सप्लाई बढ़ने का मतलब है लेबर सप्लाई अपवर्ड होगी, तुम खुद सोचो एज वेज इंक्रीजेस लेबर सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज, सो इफ यू टॉक अबाउट द लेबर सप्लाई कर्व इट मींस हम लेबर सप्लाई कर्व के लिए वेज और लेबर का, लेबर सप्लाई का रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, राइट? तो इस पूरे सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इस पूरे सिनेरियोस को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन पिक्चर अभी ये भी खत्म नहीं होती फ्रेंड्स, आज अगला जो कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है वो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हम लेबर सप्लाई कर बनाएंगे दोनों दोनों बातों को कंबाइन करके बनाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, दोनों बातों को कंबाइन करके बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो जैसे मैंने बोला कि एज वेजेस इंक्रीजेस, तो टेक्निकली एक चीज सोचो, जैसे अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हो, मैंने एक जगह इसलिए जोड़ी थी, देखो लो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये डब्ल्यू आर प्लस का पी सी इज लार्ज देन इक्वल्स टू डब्ल्यू टी प्लस का एन, गाइस समझिएगा, डब्ल्यू बढ़ रहा है, डब्ल्यू यहां बढ़ रहा है, डब्ल्यू यहां बढ़ रहा है, दोनों बातों में, तो डब्ल्यू जब अब बढ़ रहा है तो देखो डब्ल्यू एक्सपेंडिचर साइड भी है और डब्ल्यू इनकम साइड भी है, डब्ल्यू खर्चे की तरफ भी है और डब्ल्यू इनकम की तरफ भी है, डब्ल्यू बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, डब्ल्यू बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, तो ध्यान रखना जब मैं इस एक्सपेंडिचर साइड की बात कर रहा था तो ये वाला इफेक्ट आया था, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू के बढ़ने का मतलब यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर साइड, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि भाई जो डब्ल्यू है वो इनकम साइड भी है, तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू टी प्लस एन की बात करेंगे, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका एक साइड इधर डिस्कस होगा और दूसरा साइड इधर डिस्कस होगा, टेक्निकली ये चीज बता रहा है कि अगर वेज बढ़ेगी तो गाइस कंज्यूमर की या एजेंट की इनकम भी बढ़ेगी, इनकम विल आल्सो इंक्रीज, और आपको दिख रहा है क्योंकि डब्ल्यू जो इनकम का फंक्शन भी है। अब इनकम बढ़ने पर क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर के डिसीजंस होते हैं,
देखो रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइड टू कंज्यूम नॉर्मल कमोडिटी एंड नॉट टू कंज्यूम इंफीरियर कमोडिटी, इंफीरियर कमोडिटीज, राइट। ये एक रैशनल कंज्यूमर की साइकोलॉजी है कि जब वो अमीर होता है, इनकम बढ़ती है, तो वो नॉर्मल कमोडिटीज को कंज्यूम करता है और इंफीरियर को कंज्यूम नहीं करता। नाउ अब यहां से कंसेप्ट निकल के आता है, इफ वी एज्यूम नाउ, अब यहाँ पे एजेंट के व्यूज है, एजेंट के व्यूज है, जैसे क्या, अब इफ एजेंट एज्यूम रेस्ट इज नॉर्मल, इफ एजेंट एज्यूम रेस्ट इज नॉर्मल, अगर एजेंट एज्यूम करता है कि जो रेस्ट है वो नॉर्मल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एजेंट एजेंट एज्यूम रेस्ट इज नॉर्मल, तो इट मींस बट एज वेज इंक्रीजेस इनकम विल आल्सो इंक्रीज एंड द रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम मोर नॉर्मल कमोडिटीज, और अकॉर्डिंग टू हिम इफ द रेस्ट इज द नॉर्मल कमोडिटी इट मींस व्हाट, द कंजम्पशन ऑफ रेस्ट विल इंक्रीज, कंजम्पशन ऑफ रेस्ट विल इंक्रीज, यानी कंजम्पशन अमाउंट ऑटोमेटिकली इफ द रेस्ट इंक्रीजेस देन वर्क विल डिक्रीज, ठीक है, अगर वर्क कम होगा तो ऑटोमेटिकली गाइस क्या होगा, लेबर सप्लाई कम होगा, या आप कह सकते हो वेज का और लेबर सप्लाई का रिलेशनशिप क्या होगा, डाउनवर्ड। ये एक्सप्लेनेशन है, इट डिपेंड्स ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, राइट। अभी डायग्राम फाइनल नहीं आ रहा, अभी तुम सिर्फ सोच रहे हो, सी ठीक है, एनालाइज कर रहे हो, ये वाली बात आ गई। और यू कैन से दैट इफ एजेंट एज्यूम रेस्ट इज इंफीरियर देन देन ऑटोमेटिक सी बात है, अगर रेस्ट इंफीरियर है तो एजेंट जो है इनकम बढ़ने पर इंफीरियर कमोडिटीज को कंज्यूम नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा, रेस्ट कम होगा, और जैसे ही रेस्ट कम होगा वैसे ही गाइस हमारा वर्क बढ़ेगा, वर्क बढ़ने से हमारा लेबर सप्लाई बढ़ेगा, इसका मतलब अपवर्ड। तो अगर आप अब देखो ध्यान से समझिएगा गाइस, अब टेक्निकली बातों को आप ध्यान से समझिएगा, ये इस वाले केस में पहली बात तो ये है कि इस वाले पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, पहली बात तो ये है कि इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा स्प्लिट होगा, मैं समझाता हूं वन बाय वन, मैं बस आपको ये आपके माइंड में ये क्लियर करना चाहता हूं कि पूरा ना ब्रॉडली सोचो क्या कि वेज बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग इनकम साइड सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर का डिसीजन होगा। अब सोचो जब मैंने बोला कि वो रेस्ट को नॉर्मल मानता है, इसका मतलब वो जो एजेंट है वो कौन है, वो रिच एजेंट है, ही इज अ रिच एजेंट। भाई एक बात बताओ ना तुम लोग, ऐसा कौन वो आदमी होगा जो इनकम बढ़ने के बाद आराम को ज्यादा करना पसंद करेगा, वो जो आराम को लग्जरी मानता है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया जो आदमी अमीर है ना उसके लिए आराम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो आराम को कंज्यूम कर रहा है, आराम उसके लिए नॉर्मल हो गया, खराब चीज नहीं अच्छी चीज है। अगर उसकी इनकम बढ़ेगी वो अमीर होगा तो वो अच्छी चीजों को कंज्यूम करना पसंद करेगा, रेस्ट उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर हम ऐसा सोचे एजेंट एज्यूम रेस्ट इज इंफीरियर, तो ध्यान रखना गरीब आदमी की बात हो रही है, पुअर पीपल, क्योंकि गरीब आदमी ही होता है जो ये सोचता है, क्योंकि देखो वेज बढ़ने से इनकम बढ़ रही है ये तो सब पे अप्लाई होता है, क्या वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन मैटर करता है कि वेज बढ़ने पर इनकम बढ़ने पर वो जो वो आराम को क्या मान रहा है, अगर वो ये मान के चल रहा है कि वेज बढ़ रही है इनकम बढ़ रही है और ऑब्वियस ही बात है वो अमीर होने पर नॉर्मल कमोडिटीज को कंज्यूम करना बढ़ाएगा, ये बात सच है, लेकिन मैटर ये करता है कि वो किसको नॉर्मल मानता है, वो रेस्ट को नॉर्मल नहीं मानता, ठीक है। अगर वो रेस्ट को नॉर्मल नहीं मानता इसका मतलब क्या है, उसके लिए लेबर सप्लाई अपवर्ड रहेगा, यानी गरीब आदमी का हमेशा लेबर सप्लाई कैसा रहेगा, अपवर्ड। एज वेजेस इंक्रीजेस ही विल ऑलवेज ट्राई टू वर्क मोर मोर एंड मोर,
हाँ एक पॉइंट ये आ जाता है, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ मेरी नजर में, मैं अपना अपने व्यूज दे रहा हूँ। जैसे मैं हूं, मैं काम कर रहा हूँ, खूब काम कर रहा हूँ, सुधीर सर हैं घूमने चले गए, लेकिन नॉर्मली काम वो भी कर रहे हैं, आपके घर में गार्जियंस हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं, मेरी नजर में हम सब लोग गरीब हैं। अब बोलो सर कैसा, हम तो, अब बोलो सर मैं तो गरीब नहीं हूँ, मेरे पापा को बहुत तो बहुत पैसे हैं, और नहीं तो मेरे पापा को बहुत तो गाड़ी भी है, घर भी है, बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन आज भी काम कर रहे हैं ना वो। क्यों काम कर, अगर क्यों क्यों काम कर रहे हैं वो, ये बात सच है कि उनकी वेजेस बढ़ रही है, उनका इनकम बढ़ रही है, तो वो क्यों काम कर रहे हैं आज भी, क्यों काम छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद को क्या मानते हैं, पुअर। हर वो इंसान जो खुद को गरीब मानता है, गरीब मानने का मतलब ये नहीं है कि झुग्गू झोपड़ी वाला, गरीब मानने का मतलब ये है उनको लगता है कि जितने पैसे मेरे पास है वो कम है, मुझे और पैसा कमाना है, वो पैसा 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 और कमाना है, और कमाना है, और कुछ करना है जिंदगी में, और बड़ा करना है, यानी 60 साल की उम्र में भी सोचना और कुछ और करना है जिंदगी में, ठीक है, वो साइकोलॉजी है, ठीक है। तो समझो रेस्ट अगर इंफीरियर है, यानी वो कुछ करना चाहते हैं इनकम बढ़ने पर, तो एजेंट इज पुअर। तो माइंड में रखना, आज घर जाके पापा से बोलना, पापा हाँ अब गरीब आदमी हो, तुम मारेंगे, तुम्हें पिटाई करेंगे, टेक्निकल समझाना उनको, क्या बाबा आप काम कर रहे हो, हाँ आप ऑब्वियस बात है आप कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते हो, नहीं छोड़ता बेटा मैं, कहीं पर अगर मुझे ज्यादा इनकम दिख रही होती है किसी प्रोजेक्ट में, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो किसी जो नौकरी मुझे कोई डबल पैसे दे रहा हूँ भाग के जॉब करूंगा, बिजनेस में कोई मुझे नया प्रोजेक्ट दिख रहा है, नई इन अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं भाग के कैच करूंगा, इसका मतलब मैं एज इनकम इंक्रीज मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। कोई तुम्हें कहता है कि बेट मुझे कहता है कि भैया सर वो सर 50 बच्चे हूँ एक्स वाई सब्जेक्ट के, आप पढ़ा लो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी इसलिए तो मैं वर्क को ज्यादा करना चाहूंगा, तो इनकम बढ़ने पर वर्क मेरा बढ़ेगा, टेक्निक समझ में आ गई, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब समझना ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया और ये इनकम फैक्टर हो गया। अब देखिएगा अगर एजेंट, ऑब्वियसली बात है ये ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज अ नेगेटिव टर्म, यानी वेज बढ़ने पर एजेंट रेस्ट को कम करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव इफ द एजेंट इज रिच और पुअर। एजेंट अमीर हो गरीब हो, हमेशा वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो जाता है एज वेज इंक्रीजेस रेस्ट विल डिक्रीज, ठीक है, एज वेज इंक्रीजेस रेस्ट विल डिक्रीज, ये माइंड में आप लोग इस चीज को रखिएगा, ठीक है। वही मैं जब यहां पर आ जाता हूं तो यहां पे दो व्यूज आ गए, अब समझिएगा, अब समझिएगा, एक ये वाला कंसेप्ट आ गया, ये वाला कंसेप्ट आ गया, और एक ये वाला कंसेप्ट आ गया, तो दोनों में दो पार्ट बन गए, ठीक है बेटा, दोनों में दो पार्ट बन गए। इसके लिए मैं आपको छोटा सा नोट बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इन दोनों को देखकर तुम लोग लेबर सप्लाई डिफाइन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, एक छोटा सा नोट बनाऊंगा मैं, बस उस नोट के बेसिस पे तुम लेबर सप्लाई डिफाइन कर देना, ठीक है, जरा समझिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा वन साइड, अच्छा हाँ चलो पहले नोट कर लो। अच्छा अब ना क्लासेस में तुम्हें मजा आने लगेगा गाइस, मैं मानता हूँ कि पहले की क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो जबरदस्ती कुछ बातों को मानना पड़ता था या जस्ट होता था, ठीक है, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी एप्लीकेशन हो रही है तो तुम्हें मजा आएगा, लेकिन हाँ यार कि ऐसी बातें होती हैं, मजा आएगा अब तुम्हें पढ़ने में, अभी इंटर टेम्पल च्वाइस देखना कितना बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक बड़ा मैं रफ कर दूँ अजय, यला एरिया रफ कर देता हूँ, एक छोटा सा नोट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, नोट देखो ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे वेज इफेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर वेज इफेक्ट होता है, जैसे वहां पे प्राइस इफेक्ट होता था ना, प्राइस इफेक्ट होता था, तो यहाँ पे वेज इफेक्ट होता है, डेफिनेट सी बात है वेज इफेक्ट होता है। तो बेसिकली वेज इफेक्ट में दो चीजें आ गई आपके सामने, एक आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक आ गया इनकम इफेक्ट।
और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को देख लिया तो आप शायद समझ गए होंगे कि ये भी सब इनकम इफेक्ट जो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट और एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। ठीक है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते एक नई इन्वेंशन करी थी। इन्वेंशन का मतलब ये नहीं कि इन्वेंशन वैसी इन्वेंशन नहीं, पढ़ाते मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया था। मैंने ये प्रूफ कर दिया है पढ़ाते हुए कि जो ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट होता है वो शॉर्ट रन इफेक्ट होता है, शॉर्ट रन इफेक्ट, और जो एंडोमेंट इफेक्ट होता है वो लॉन्ग रन इफेक्ट होता है। इवन बाइंग एंड सेलिंग की वीडियो मैंने डिस्कस किया, सुना ये, सुना ये बात अच्छी समझ ली होगी। मैंने मैंने आप ये प्रूफ कर दिया है कि जो ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे मैं छोटा सा आपको दोबारा से वही सेम एग्जांपल दूं, पुराना वाला जो मैंने वीडियो में दिया एग्जांपल, ठीक है। वो ऐसे मैंने बोला था कि मान लो जैसे आप लोगों ने ज्वाइन करा हमसे, ठीक है, तो आपने जब ज्वाइन करा और फिर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आने लगा, प्राइजेस गुड्स के प्राइस चेंज होने लगे, तो क्या हम आपसे नॉक नॉक करेंगे कि भैया पैसे और दे दो, या दूसरे जब नया बच्चा ज्वाइन करेगा तो उसे बोलेंगे भैया पैसे और दे दो? नहीं, हम उस टाइम पीरियड में अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे एंडोमेंट यहाँ पे फिक्स इन द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। लेकिन खर्चे बढ़ गए हमारे क्योंकि प्राइस बढ़ गया। मान लो रेंट वाले ने रेंट बढ़ा दिया, किराया बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया। मैंने अब हम लोगों ने एक एंटीवायरस परचेज करा, वो थोड़ा महंगा मिला हम लोगों को पिछले साल से इस साल में, तो चीजें बढ़ गई। लेकिन जो महंगाई हम अब फेस कर रहे हैं, तो जो अगला बैच होगा तो क्या अगले बैच से हम वही वाली फीस मांगेंगे जो इस पुराने वाले बैच से मांगी थी? अब हम फीस बढ़ा के मांगेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पुराने हमारे खर्चे क्या क्या हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम एंडोमेंट डिसीजन लेंगे वो हमेशा लॉन्ग रन में लेंगे। इफ आई वॉन्ट टू रेज आवर इनकम, और तो हमको पता है कि इनकम रेज कैसे होगी, जब हम हमारे पास एंडोमेंट बिकेगी, इनकम आएगी। तो जो भी हम इफेक्ट, जो भी हम डिसीजन लॉन्ग रन में लेंगे वो एंडोमेंट इनकम इफेक्ट होगा, जो भी हम डिसीजन शॉर्ट रन में लेंगे वो ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई, मैंने वीडियो में अच्छे से बताई है। अच्छा, जो ये जो होता है ये सम होता है, इनकम इफेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब नोट समझिएगा, पहला देखो, अगर सब्ट्रैक्शन इफेक्ट और ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट प्लस एंडोमेंट इनकम इफेक्ट, ठीक है, टेक्निक समझिएगा मैं कैसा सिखाना चाहता हूं। इसके बेसिस पे आप कभी भी डायग्राम नहीं बना सकते। डायग्राम बनाने की टेक्निक समझाऊंगा मैं आपको। दो केसेस बनेंगे, सॉरी तीन केसेस, सब्ट्रैक्शन इफेक्ट, ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इफेक्ट, ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट। ठीक है, मैं इसका साइन अभी बताऊंगा, उसके बेसिस पर डायग्राम बनेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए बेटा, ये है वर्क या लेबर सप्लाई, ये है वेज, ठीक है, वर्क एंड लेबर सप्लाई, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये वेजेस हैं और ये वर्क है, ठीक है। एज वेज इंक्रीजेस, नो डाउट एज वेज इंक्रीजेस, इनिशियल स्टेज में चाहे कोई भी हो, चाहे कितने बिल गेट्स फैमिली से हो, इनिशियल स्टेज में हर किसी ने जीरो से शुरू करा होगा, ये बात तो कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों को। तो इनिशियल स्टेज में एज वेज इंक्रीजेस वर्क विल इंक्रीज, इसका मतलब क्या है, जब डायग्राम थोड़ा सा फोड़ बनेगा, ठीक है, एज वेज इंक्रीजेस वर्क विल इंक्रीज। तो ध्यान रखना, अगर वेज बढ़ने पे वर्क डेफिनेट बढ़ रहा है, वेज बढ़ने पर वर्क डेफिनेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर खुद को पुअर अज्यूम कर रहा है। टेक्निकली बात यह है कि वो ये मान रहा है कि अगर वेज बढ़ रहा है तो मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन दोनों इफेक्ट से ज्यादा होगा। आप ये मान के चलो, अगर मैं इनकम इफेक्ट को हैवी बनाता हूं, आप टेक्निकल सोचिए, वेज बढ़ रही है तो वेज का इम्पैक्ट खर्चे साइड भी आएगा, वेज का इफेक्ट इनकम साइड भी आएगा, वेज का इफेक्ट खर्चे साइड भी आएगा, वेज इफेक्ट इनकम साइड भी आएगा। गरीब आदमी की नजर कहां जाएगी? सिर्फ खर्चे साइड पर। वो कहेगा वेज बढ़ रही तो मतलब खर्चे साइड पर जा रही है, और अमीर आदमी की नजर कहां पर जाएगी? इनकम साइड पर। वो बोलेगा वेज बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, टेक्निक्स हैं, व्यूज है। तो अगर वो गरीब आदमी हो तो उसकी नजर हमेशा खर्चे साइड पर जाएगी, इसका मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा इन दोनों इफेक्ट से ज्यादा होगा।
एस इज मोर देन दिस, ये टेक्निक बता रहा हूं, लिख नहीं पेपर में आप लोगों को, अगर एस इज मोर देन दिस इसका मतलब लेबर सप्लाई जो कर्व होगा वो अपवर्ड होगा। बस समझ में आ गए, मतलब इतने मैं एक ही डायग्राम में तीनों स्टेटमेंट बनाऊंगा, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे जैसे वेज बढ़ रही है, अब देखो ना मैं बता रहा हूँ वेज बढ़ने के भी तरीके होते हैं, जैसे वेज बढ़ रही है वर्क बढ़ रहा है, वेज बढ़ रही है वर्क बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वेज बढ़ रही है खर्चा भी बढ़ रहा है इनकम बढ़ रहा है, कंज्यूमर जो है या एजेंट जो है हल्का हल्का करके अमीर मतलब एक लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास पर आएगा, फिर वो रिच की तरफ जाएगा, तो हल्के को तो बढ़ रही है चीजें। मतलब आप कहते हो सर हम पहले गरीब, मतलब जनरली हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया में हर आदमी पहले गरीब हुआ करता था, हम भी पहले गरीब, सब लोग हम सब लोग गरीब, इवन अब टेक्निकली कंपेयर करें अडानी से तो उनके कंपेरिजन में हम अभी भी गरीब हैं उनके कंपेरिजन में, पर टेक्निकली हम लोग मानते नहीं है, और हम पहले के मुकाबले ज्यादा ठीक है। और तुम देखो जो बहुत ही गरीब होते हैं शायद ही वो कहीं घूमता फिरता होगा, लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं अमीर अमीर लोग होते हैं वो हफ्ते में एक दिन या महीने में बड़ा अच्छा घूमते हैं, घूमने भी जाएंगे तो बड़े अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। यार ये लग्जरीज कब आ रही है, जब आपकी आपकी इनकम अच्छी है, राइट। अब जरा समझिएगा, जैसे जैसे वेज बढ़ रही है थोड़ी सी अमीरी आ रही है, फिर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फिर हल्का हल्का ये कर कुछ ऐसा जा रहा है, यानी लेबर सप्लाई अब क्या हो जाएगा फिक्स, यानी कुछ टाइम पीरियड तक लेबर सप्लाई कैसा होगा फिक्स, यानी ये तब होगा, ये कब होगा जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। दिस इज एस ई इज मोर देन ओ आई ई प्लस का ई आई ई, और ये रीजन जो होगा ये तब का है, दैट इज एस ई इज इक्वल टू ओ आई ई प्लस का ई आई ई, ये इंट्यूशन है। और ऑब्वियस बात है सबकी सबकी लाइफ में ये स्टेज डेफिनेटली आती है कि वो एक ये पीरियड डिसीजन लेता है, जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आपके जैसे नंबर है, जैसे नंबर बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको लगता है हाँ ठीक है अब थोड़ा आराम कर लो, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली या बहुत पैसा कमा ले, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम एजेंट की इनकम और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, जैसे अमिताभ बच्चन स्टार्टिंग के पीरियड में वेज बढ़ने पर अपना लेबर सप्लाई ज्यादा काम कर रहा था, ठीक है, फिर ऐसे आ गया। अमिताभ बच्चन का तो अभी भी यही चल रहा है, वो तो अभी भी काम कर रहा है बेचारा, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि ज्यादा इनकम होने पर अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खुद को अमीर मानना शुरू कर दिया। जैसे जैसे एग्जाम्पल जितेंद्र है, जितेंद्र एक्टर रह चुके हैं, बहुत टॉप के एक्टर रह चुके हैं, तो उनके बच्चे एकता कपूर ने इतना काम कर लिया, ठीक है, तो अब उनको लगता है कि अगर उन्हें कोई ज्यादा ज्यादा पैसे भी देगा तो वो बहुत कम काम करेंगे, यानी वो खुद को क्या मान रहे हैं अमीर, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, अगर उन्हें कोई ज्यादा भी पैसे ऑफर करेगा तो वो कम से कम काम करेंगे, उनका लेबर सप्लाई बैकवर्ड रहेगा। तो टेक्निकली बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो बैकवर्ड बेंडिंग है वो कब होता है, जब एस ई इज लेस देन ओ आई ई प्लस का ई आई ई होता है, ठीक है। ये मैंने अपनी क्लास में समझा दिया है, मैंने फिर भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अभी यहाँ पर, ठीक है। और जितना तुम्हें टेक्निकल बेस पे याद होगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई तीन पेज की थ्योरी आपको मैं याद करा दूं कि लेबर सप्लाई कर्व डिफाइन है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ना बच्चों वाली बातें वाली, जितना तुम्हें टेक्निकल याद रहेगा ना, जैसे ये और ये, तो इस ये जो कर्व है ये वाला देखो गाइस, इतना यहां से जो वाला कर्व है इसे कहते हैं हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग बीबीसी बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है, इवन जो हमने पास्ट पेपर्स का असाइनमेंट दिया है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ये एक्सप्लेन आपको करना है। अब लेबर मार्केट में एक तो बैकवर्ड बेंडिंग इंपॉर्टेंट, मतलब तीन चीजें इंपॉर्टेंट है लेबर मार्केट में, एक तो कहते वही ऑप्टिमम वैल्यू इसको सॉल्व करना, ठीक है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं मान रहा क्योंकि वो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑप्टिमम सॉल्व करना। मैंने कहा ना कंज्यूमर थ्योरी में डिमांड्स में बस तुमने अगर एक्स और वाई को सॉल्व करना सीख लिया तो इनफ है, ठीक है। दूसरा ये वाला था वेज इफेक्ट के साथ में, वेज इफेक्ट सीख लिया आपने, उसी के साथ में आपने बैकवर्ड बेंडिंग देख लिया वेज इफेक्ट के साथ में। तीसरा कंसेप्ट है गाइस ओवर टाइम वो जरा कर लेते हैं हम लोग अभी।
एक बच्चे का फोन आया, वो मैसेज आया आज मॉर्निंग में कि आज क्लास है माइक्रो की। मैंने कहा हाँ है, कितने बजे? मैंने कहा 3 बजे। कहते ठीक है, वो एबसेंट है। वो एबसेंट है, वो आई नहीं है लड़की। तो बच्चे ना कभी कभी मजे भी लेते हैं। अच्छा वो पूछते हैं, अच्छा आप आ रहे हो पढ़ाने? आज आप पढ़ाओगे ना? हमें आप आओगे बच्चे? नहीं सर मैं तो नहीं आऊंगी, आऊंगा मैं तो, बस आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, ले रही हूँ। आप आना जरूर, आप जरूर पढ़ाना, आपको मतलब जरूर है। हम आए ना आए हम पर छोड़ दो, हमारी मर्जी है। मतलब बच्चे हमारी अटेंडेंस लगवाते हैं, खुद के अटेंडेंस वो एबसेंट है। ये अधिकतर होता है, जो बच्चा पूछता है ना आज क्लास है, वही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम मुझे तो पढ़ाना ही था आज क्लास, मैंने प्लान करी हुई थी। अभी मैं सैटरडे संडे में भी, मैं कल भी सोच रहा था कल क्लास ले लूं, क्योंकि मेरी अभी दूसरी क्लासेस नहीं है सिविल्स की वगैरह, ऐसी क्लासेस दूसरी नहीं है, क्योंकि फेस्टिव वीक है। ठीक है, और हमारे मेजरली बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं, सिविल सेम थ्री वाला ही है जो रिकॉर्डिंग्स में और ऑनलाइन में है बस। ठीक है, तो उनकी पूरा वीक छुट्टी है उन लोगों की। मैं कल भी सोच रहा था, लेकिन कल तो भैया दूज है ना? कल है, आज है, कल है, कल है। वो मर्जी है, कोई कोई लोग तो आज, कोई लोग तो वैलेंटाइन भी, वैलेंटाइन डे कभी भी मना लेते हैं, तो इसमें तो थोड़ी कि वो हर रोज होता होगा, लेकिन टेक्निकली वो कल है। तो फिर मुझे मना किया, नहीं सर आज मत रखो, सैटरडे संडे में रखूंगा मैं क्लास आपकी। ठीक है चलिए, नाउ अब हेडिंग लिखना ओवर टाइम। ओवर टाइम वर्क एंड ओवर टाइम इनकम। ठीक है, बस दिमाग में रखो मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो ऐसा होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है टेक्निकली कि मान लो, लेट सपोज एक एजेंट है, एन एजेंट है टोटल टी टाइम्स, एक एजेंट है उसके पास में टोटल टाइम जो है वो टी आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, उस एजेंट के पास जो टोटल टाइम दे रखा है वो टी आर दे रखे हैं, टी आर्स, टी घंटे वो काम करता है, चलो मान लिया। और एट द वेज रेट डब्लू, एट द वेज रेट डब्लू पे वो काम कर रहा है। ठीक है चलो मैंने मान लिया। प्राइस ऑफ द कंजम्पशन, सब चीजें वही है गाइस, प्राइस ऑफ कंजम्पशन पी मान लो, सब कुछ वही है। तो टेक्निकली जो उसकी बजट कंस्ट्रेंट बनेगा, लिख लेता हूं मैं उसको, जो उसका बजट कंस्ट्रेंट बनेगा वो क्या बनेगा, डब्ल्यू आर प्लस का पी सी इज लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू टी प्लस का एन। मान लिए बात हम लोगों ने। ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, बड़ा सा डायग्राम यहां बना रहा हूँ, बड़ा सा डायग्राम। ठीक है, इतना स्पेस और ले लूंगा मैं डिस्कशन करने के लिए। कंजम्पशन है और ये रेस्ट है, और जस्ट मान लो टेक्निकल बेसिस पे कि ये नॉन लेबर इनकम है सी बार, उस बेसिस पे यहां से डायग्राम बन गया ये, और यहां से डॉट 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 है, और ये हमारा हो गया एंडोमेंट। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा एंडोमेंट पॉइंट। ये बात तो सबको पता है ना, लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस कर लिया था, फर्क आपको समझ में आ गया था। ठीक है, और मैं ऐसे टेक्निकली बात कर रहा हूं। ये जहां पे हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है सी कॉमा आर, मान लो ये कॉन्वेक्स है, कोई भी कॉन्वेक्स मान लो, जैसे एग्जांपल आप सी इंटू आर मान लो इसको, तो जस्ट एग्जांपल रेंडमली कोई भी आईसी यहां पर आ जाएगा इसका। मैं जानबूझ के कॉन्वेक्स आईसी बना रहा हूँ, ठीक है, स्टिकली कॉन्वेक्स आईसी बना रहा हूँ, स्टिकली कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या एक्सप्लेन करेगा आईसी? ये एक्सप्लेन करेगा भैया ऐसा है कि इतनी तो उसकी कंजम्पशन हो गई, जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने सॉल्व कर लिया। मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है नहीं कि सी और आर सॉल्व करो, वो तुम जानते हो, तुमको अगर डिमांड सॉल्व करना आता तो ये सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व करने नहीं आता तो इसको सॉल्व करने से पहले डिमांड सॉल्व करना सीखो, वो मेरी क्लासेस को या नोट्स को रिवाइज कर लो, काफी है। ठीक है, तो देखिए टोटल टाइम तो ये है, ये वाला एंडोमेंट टोटल टाइम तो ये वाला है। ठीक है, अब इसमें से उसने इतना टाइम रेस्ट चूज किया है, टोटल टाइम में से, फुल टाइम में से अगर ऑप्टिमम यहां पर आया है तो इतना टाइम रेस्ट, क्योंकि रेस्ट की लाइन है ये, दिमाग में रखना ही है ये लाइन, यहां से अगर रेस्ट की है
और अगर इक्विलिब्रियम यहां पर आया तो इक्विलिब्रियम रेस्ट इतना है, थोड़ा टाइम में से आराम इतना, तो काम कितना हो गया, ये वर्क हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी मान के चलो कि उसने कंज्यूमर ने आफ्टर कैलकुलेशन आर स्टार कंज्यूम करा, आर स्टार रेस्ट कंज्यूम किया एंड वर्क उसने कुछ कंज्यूम कर लिया टोटल टाइम में से आर स्टार माइनस करके, ठीक है। हमने बात मान ली, बात यहाँ पे खत्म हो गई। बात इतनी थी कि मैं किसी मिल में काम करता था या मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ पे ना एक टीचर है, वो काम करते हैं, वो आर्ली बेसिस पे पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपको पता है कि एमए इकोनॉमिक्स में आईजी आईडीआर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर थोड़ी सी सिर्फ इकलौती वही एक यूनिवर्सिटी है जिसमें थोड़ी सी इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स भी आती है, ठीक है, मान लो वो आती है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, वो हम तो पढ़ाते नहीं है, मैथ स्टेट सुधीर सर पढ़ाते हैं, इकोनॉमी वाला पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? किसका? नहीं, किस चीज का? मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है गाइस, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो वो टीचर जो है वो इंग्लिश इतनी कौन पढ़ाएंगे, को हम तो पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैक्सिमम 5% का सिलेबस है। अगर टोटल आईजीडीआर के एग्जाम की बात करो, एमबी को एंट्रेंस की बात करो, तो टोटल 5% है। मुझे बताओ क्या उनको हम मेजर फेस पर रखेंगे? नहीं, थोड़े से उनकी क्लास मैक्सिमम 10 क्लासेस होंगी। तो मैंने क्या करा, हमने बोला कि सर जो इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स पढ़ाते हैं, हमने बोला कि सर आप ना प्लीज हमारे बच्चों को पढ़ा दो आईजीआईडीआर की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश रीजनिंग क्वांट पढ़ा दो, ठीक है, अगले हफ्ते पेपर है या 10 दिन बाद पेपर है, आप पढ़ा दो। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितने टोटल टाइम्स थे उनके पास में, हमने उनको ऑप्शन दे दिया कि सर जितने, हमने टोटल घंटे बता दिए कि आप ना सर आप पढ़ा दो, ठीक है। तो उन्होंने इतने आर्ट्स पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, जब इतने आर्ट्स प्री डिसाइड कर लिया था कि सर इतनी वेजेस हम आपको देंगे पर आर की आर्ली बेसिस, मैं जानबूझ के एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ कि ऐसे टीचर्स के लिए आर्ली बेसिस क्लास होती है, जैसे कुछ भी हम एक्स वाई जेड आर्ली बेसिस क्लास दे देंगे और अपने बच्चों को बुला लेंगे, ठीक है, ओके फाइन। तो जब उन्होंने पढ़ा दिया तो मैंने आके चेक करा, तो फिर मैंने, हमें तो आइडिया है कि सिलेबस में आता है कितना, क्योंकि हम तो सिलेबस देंगे उनको कितना पढ़ा दो। तो हमने देखा तो उसके अंदर क्या है कि चीजें थोड़ी सी रह गई हैं, या कुछ और चीजें करवा दे। मुझे, मेरा मन कर रहा है कि सर थोड़ा सा, ये मैं हमेशा करता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ा दो। सर अच्छा, सर क्या बोलेंगे, क्यों पढ़ा दो भाई, पैसे चाहिए। लेकिन अब जो पैसे चाहिए, क्या मुझे बताओ, मैं अब उनसे क्या कह रहा हूं, सर थोड़ा सा और पढ़ा दो, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दो। तो ज्यादा पैसे के लिए गाइस ध्यान रखना, जब पुराने वाली वेज काम आएगी अब, क्योंकि पुराने वाली वेज पे तो उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि सर मैं इतने घंटे पढ़ाऊंगा, समझो। हमने अगर उनको मान लो जो 5000 रुपए पर घंटा दिया था कि सर आप 5000 रुपए पर घंटा, क्योंकि कितना होता है, जब 70-80 स्टूडेंट्स होते हैं तो एट द रेट ऑफ 5000 के लिए ही आते हैं, ठीक है, अराउंड। तो क्या वो, उन्होंने 5000 के बेसिस पे अपने टाइमिंग, क्योंकि बहुत सीनियर टीचर है वो, अपने टाइमिंग में से इतना टाइम निकाल के दिया हम लोगों को, राइट। हमने कहा तो नहीं सर थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और पढ़ा दो। तो क्या वो इतने पे काम करेंगे? नहीं, वो क्या बोलेंगे, सर पुराने वाली वेज पे तो काम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पुराने वाली वेज पे जो काम करना था वो मैंने इतना कर लिया, मुझे अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू वॉन्ट टू बेसिकली वर्क, अगर यहाँ पे ओवर टाइम वर्क होगा तो ध्यान रखना, देन वी हैव टू ऑफर ओवर टाइम वेज, हमें उनको ओवर टाइम वेज ऑफर करनी ही पड़ेगी। जैसे तुम लोगों को पता है हमेशा ये होता है ओवर टाइम वेज, और वो बात ध्यान रखना, वो हमेशा, मान लो ये डब्ल्यू डैश है, वो हमेशा पुरानी वाली वेज से ज्यादा ही होगी, ये कंसेप्ट क्लियर रखना माइंड में। मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल ये वाला दे दिया, ठीक है, इसलिए वाला एग्जाम्पल हमने दे दिया। इसको आप बहुत सारी चीजों से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो आपके आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, और आपकी जो नॉर्मल काम वाली है, जो मेड है, वो काम करने आती है, और किसी दिन आपको ओकेशनली
उनकी जरूरत ज्यादा पड़ गई, तो ध्यान रखना वो जितनी वेज डेली बेसिस पे या मंथली आपसे लेती है उस एक दो दिन के लिए आप वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेंगी, या उस एक्स्ट्रा काम के वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेंगी अगर आप टोटल एवरेज लगाओगे। ठीक है, टोटल एवरेज लगाओगे, राइट। तो वही मैं आप लोगों से जनरली बात कर रहा हूं। लेकिन लेकिन वी ऑल नो वेरी वेल कि दिस न्यू हाई वेज इज ओनली फॉर रिमेनिंग आवर्स। मेरी बात समझो, जो मुझे W डैश ऑफर हुआ है क्या वो मुझे टोटल टाइम के लिए ऑफर हुआ है? नहीं, टोटल टाइम में से तो मैंने इतने घंटे काम कर लिया है एट द रेट ऑफ W। अब मुझे जो W डैश ऑफर हुआ है वो किसके लिए ऑफर हुआ है फ्रेंड्स? मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, दिस W इज बेसिकली ऑफर फॉर द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, जो रिमेनिंग आवर्स है उनके लिए ऑफर हुआ है। एंड व्हाट आर हाउ मेनी आवर्स वी हैव? वी नाउ वी हैव आर ये रेस्ट आवर्स, ये वाले आवर्स। नाउ वी हैव दिस आवर्स। मान लो सुबह पढ़ाने आए, 3 बजे तक पढ़ा लिया, तो अब जो न्यू ऑफर वेज होगी वो 3 बजे के बाद की क्लास के लिए होगी। 3 बजे से पहले जो पढ़ा दिया उन्होंने उसी पे पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। सो नाउ न्यू, अब आप समझेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे न्यू बजट कंस्ट्रेंट, न्यू बजट कंस्ट्रेंट। ऑब्वियसली बात है, पुराना वाला ये है और इसका जो स्लोप है, स्लोप तुम सबको पता है W बाय P है, यानी इस लाइन का जो स्लोप है, ध्यान रखना इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? W बाय P इस लाइन का स्लोप। ठीक है बेटा, W बाय P ये इसका स्लोप है। बट न्यू बजट कंस्ट्रेंट, आप समझिएगा, न्यू बजट कंस्ट्रेंट W डैश R प्लस PC इज लेस देन ऑर इक्वल्स टू। अब यहां पे जरा आप ध्यान से समझिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए? ये जो W डैश ऑफर हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे W वेज थी तो T लिखा था, तो क्या मैं यहाँ पे WT प्लस L लिख दूँ? यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर वेज चेंज हुआ है तो फिर ये इक्वेशन बदलेंगे। अब जरा समझिएगा, समझना मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। एक्चुअली है क्या, जो ये जो इनकम साइड है मैं लिख रहा हूँ, पहले आप लिख लेना बाद में समझना। पहले तो यहाँ पे आएगी अर्नड इनकम, व्हाट वी बेसिकली वर्क ऑलरेडी। ठीक है, फिर आएगी यहां पे एक्सपेक्टेड इनकम, फिर आएगी यहां पे नॉन लेबर इनकम। आप इसको ऐसे समझ लेना, मैं लिख के बता देता हूं, समझिएगा। पहले मैंने क्या लिखा? अर्नड इनकम, मैंने पैसा कमा लिया। कितने घंटे काम किया मैंने? मैंने वर्क इतने घंटे काम किया। ठीक है, इतने घंटे काम किया तो मैंने कुछ वर्क करा है, और उस वर्क के लिए मुझे कितनी वेज मिली होगी? W, लिख दूंगा W यहां पे वेज। माफी में आगे मेरी, ये इतनी अर्न इनकम है, इतने घंटे मैंने काम किया है प्रैक्टिकली, उस घंटे के जो मैंने काम किया उसके लिए W मुझे मिला, वो आ गया। प्लस यहां लिखा मैंने एक्सपेक्टेड इनकम, मैंने आपको एक बार बताई थी उसने मुझे रिमेनिंग आर्ट्स के लिए W डैश ऑफर करा है, यानी टेक्निकली मैंने अपने टीचर को जितने टाइम बचा हुआ है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, मैंने फुल टाइम के लिए उसको कितना ऑफर करा है? W डैश। तो मेरे पास जो रिमेनिंग आर्ट्स जो हैं उनके लिए यहां पे लिख देता हूं मैं यहां लिख रहा हूं प्लस रिमेनिंग आर्ट्स उनके लिए मैंने कितना वेज ऑफर करा उसे? W डैश, ये W और W डैश प्लस का नॉन लेबर इनकम। ठीक है, थोड़ी सी परेशान करेगी ये बात, बट अभी नोट करना और अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग तो आपको क्लियर हो जाएगी अपना। ठीक है, ये टेक्निक आप समझिएगा। ठीक है, सो दिस इज द बजट लाइन। वो मुझे पता है क्यों मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज नहीं है ना अभी, और मैं सिंबल्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूँ।
आप कंफ्यूज ना होने को मैं सिंबल यूज बना दूं कुछ भी, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि भैया रिमेनिंग आवर्स है, वर्क इनटू वेज, अर्न इनकम, जस्ट ये सब चीज है, ठीक है। मुझे आप एक चीज बताइएगा जनरली, जनरली जनरली अब मेरे पास ये वाला एरिया, मतलब अगर मुझे बजट लाइन यहां बनानी पड़े तो मेरी बजट लाइन अब कहां से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी अगर मुझे दोबारा बजट लाइन बनानी पड़े, क्योंकि अब नाउ व्हाट इज द स्लोप, अब ये इक्वेशन है मेरे पास पूरी, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लीनियर लाइन, अब स्लोप है डब्ल्यू डैश अपॉन में पी, क्या है स्लोप ऑफ डब्ल्यू डैश, मुझे बताओ डब्ल्यू डैश इज मोर देन डब्ल्यू, तो इसका स्लोप इससे ज्यादा होगा, और कहां से शुरू करूंगा मैं, मेरे पास दो ही पॉइंट हो सकते हैं, एक पॉइंट ये वाला हो सकता है और एक पॉइंट ये वाला हो सकता है, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ये अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये जो न्यू वेज है वो सबके लिए ऑफर हो जाएगी, जबकि न्यू वेज कहां, वो कौन से आर्ट के लिए अवेलेबल है, न्यू वेज इतने आर्ट के लिए अवेलेबल है, अगर इतने आर्ट के लिए अवेलेबल है तो इतनी कंजम्पशन तो मैं पुराने वाले इनकम से कर चुका हूं, इसका मतलब क्या है मेरा जो अब जो डायग्राम बनेगा वो इस वाली रीजन पे बनेगा, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को सबको, यानी अब जो मेरे पास जो एरिया बचा है वो सिर्फ वाला एरिया बचा है, यानी इस पे बनाना है, ऑब्वियसली बात है इस लाइन का स्लोप है डब्ल्यू बाय पी, तो और जो न्यू स्लोप है डब्ल्यू डैश बाय पी है, इसका मतलब यहां से मेरा नया बजट लाइन बनेगी। अब खुद सोचो अगर इस लाइन का स्लोप डब्ल्यू बाय पी था तो इस लाइन का स्लोप क्या है डब्ल्यू डैश बाय, am I right here? और जब स्लोप बढ़ता है तो लाइन थोड़ी स्टीपर होती है, मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि ये इधर से क्यों बना है दो जगह, अब ये सोचो ना जब भी किसी बात में डाउट आए कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो आप पहले काउंटर एग्जांपल सोच लो कि मैं जो जिस चीज में डाउट आ रहा है उसका काउंटर क्या हो सकता है, आप कहते हो सर ये बात समझ में नहीं, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को तो कुछ सालों पहले में ये बात समझ में नहीं आती थी पहली बार में, सर यहीं से क्यों बन रहा है, मैं पूछता था और कहां से बनेगा, नहीं सर वो तो नहीं पता, नहीं होना चाहिए, दो ही पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली बात है दो ही पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन क्यों, अच्छा ये इधर से क्यों बनी थी, क्योंकि ये क्या था एंडोमेंट, अब याद करो मैंने क्या बोला था इसको एंडोमेंट, एंडोमेंट का मतलब टोटल आवर्स ये वाले थे, ठीक है, एट विच वी हैव टू डिसाइड कि कितने घंटे में काम कर रहा हूं, अब मेरे पास टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं, अब अवेलेबल है ये वाले आवर्स, अच्छा सही कह रहा हूं मैं, जब ये वाले आवर्स अवेलेबल है तो डायग्राम क्या यहां से बनना चाहिए, यहां से बनना चाहिए टेक्निकली यहां से बनना चाहिए, आप सोचो अगर यहां से बनता तो सब आर्ट्स की बात होगी, जब कितना काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, यानी ये एरिया मेरे पास से गया, ये एरिया मतलब इनकम जनरेट हो गई यहां से बना, अब जैसे एक आईसी यहां पर आया तो रैंडमली मान लो नया आईसी नई लाइन पर आएगा, तो मैंने अगर मान लो ये आईसी यहां पर आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर आ गया, टेक्निकली कहीं पर भी आए बट इसी लाइन पर आएगा, तो आप देखिएगा अगर यहां पर आ गया तो अब इस टोटल रिमेनिंग रेस्ट में से मैंने इतने घंटे अब आराम किया है और इतने घंटे मैंने ओवर टाइम किया है, ठीक है बात समझ में आ गई, अभी मैंने कोशिश करी कि आपको थ्योरेटिकल बेस पे समझा दूं, ठीक है यहां पे कोई मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी, ठीक है बेटा अब इसको नोट कर लो जल्दी से डायग्राम को अच्छे से बढ़िया से, है देखो ये टोटल टाइम अवेलेबल थे, जैसे उन सर क्यों, उन सर ने बोला था मेरे पास जैसे 15 घंटे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, जैसे वो सर जो है 8 से लेकर 11 बजे तक काम कर सकते हैं, 15 घंटे उन्होंने बोला था, जैसे 15 घंटे अवेलेबल है, उन 15 घंटों में से उन्होंने सिर्फ 7 घंटे ही काम किया, अगर उनको मान लो टोटल 15 घंटे थे तो 15 घंटे में से उन्होंने क्या करा, सिर्फ 7 घंटे काम किया, 7 घंटे में से जो 8 घंटे थे, यानी उन्होंने 7 आवर्स काम किया, जो 8 आवर्स थे उन्होंने रेस्ट करा, मैंने कहा सर आपने 7 घंटे पढ़ाया थोड़े से कम आवर्स है, उन्होंने बोला भैया जितनी तुमने वेज दी है मैं इतनी वेज पे इतने घंटे पढ़ा सकता हूं, मतलब मेरे को कहीं और से भी ऑफर आया हुआ है, या फिर मैं अमीर आदमी भैया मुझे तो थोड़ा आराम भी करना है, किसी को कोई आराम करना चाहता है वो, तो मैंने बोला सर थोड़ा सा और पढ़ा दो, तो अब और पढ़ा दो ये तो पढ़ा चुके हैं ना, कौन से आर्ट्स में से पढ़ा दो जो आपके पास में टोटल 8 घंटे बचे हुए हैं,
आपने कहा था 8 से लेकर 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक पढ़ाओगे, 15 घंटे तक पढ़ा सकते हो, तो सर आपने तो भी 8 घंटे छोड़ दिया, 8 घंटे पढ़ाई नहीं रहे, इन्हें 8 घंटे में कुछ पढ़ा दो, थोड़ा सा थोड़ा टाइम दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है क्या भेज दोगे, मैंने बोला WTH भेज दूंगा। तो उसी टेक्निकल के बेसिस पे अब जो टोटल टाइम बचा है, एंडाउन बचा है, वो अब 8 घंटे का बचा है, जो हम पहले इसके लिए सोचे थे इसके लिए सोचेंगे, और अब डायग्राम यहाँ से बनेगा, तो उन्होंने यहाँ से बना दिया। फिर आईसी ऑफिस की बात है, नई वाली बजट लाइन पर आते, पुरानी पहले तो आएगा ही नहीं, आईसी ऑलवेज लाइज ऑन द न्यू आई बजट लाइन, उसके बेसिस पर आया। तो उस 8 घंटे में से मान लो उन्होंने 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ाया, मान लो उन्होंने 4 घंटे पढ़ाया, तो जो 4 घंटे पढ़ाया है उन्होंने ओवर टाइम पढ़ाया है, वो उनका रेगुलर टाइम नहीं है, वो ओवर टाइम है। अब 8 घंटे में से 4 घंटे पढ़ा दिया, अब भी कितने टाइम बच गया, 4 घंटे, तो अब वो 4 घंटे उनका रेस्ट है। और पढ़ाते फिर पता ही क्या होता, और पढ़ाते फिर वो मेरे दिन यहां से बनती, भाई अगर मैं आप कहते हो कि सर और पढ़ा दो, अब कितने घंटे के लिए कह रहा हूं मैं, इन 4 घंटे के लिए कह रहा हूं, समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि 4 घंटे 8 में से 4 तो पढ़ा चुके, यानी उन्होंने 7 बजे तक और पढ़ा दिया। अब मैंने बोला सर 4 घंटे तो और बचे आपको, आप तो 11 बजे जाने की बात कर रहे थे, 4 घंटे और, सर और पढ़ा दो थोड़ा, तो फिर क्या होगा, वो बोलेंगे अब मुझे और न्यू वेज दो, मैं ज्यादा पे पढ़ाऊंगा, पुरानी वाली पे नहीं पढ़ाऊंगा, ना मैं W पढ़ाऊंगा ना मैं W- पढ़ाऊंगा, अब W" उससे भी ज्यादा वेज, तो उससे ज्यादा वेज, तो पॉइंट मेरा फिर यहां से बनेगा आगे। तो ऐसे ही ओवर टाइम वाला कंसेप्ट चलता है, नहीं फिर यार वो उसकी डिसीजन है, मान लो वो उसकी डिसीजन है, हाँ डिसाइड उसको करना है फ्रेंड, हाँ हाँ देखो आईसी तो हमेशा न्यू बजट लाइन पे आएगा ना, ये तो कंसेप्ट ही है यार, उनकी मर्जी है, अगर वो कहते हैं कि 8 के 8 घंटे पढ़ा दूंगा, तो उसकी उनकी मर्जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बस, समझो अगर उन्होंने बोला कि मैं वो, तो उनका देखो जितना आईसी उधर की तरफ जाएगा, जो वाला आईसी इधर ना इधर हो जाएगा, तुम्हारी वाली बात पे क्या हो जाएगा, वाला आईसी इधर आ जाएगा, यहाँ पे देखो जहाँ पे आईसी आएगा वो बात होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका पेपर में क्वेश्चन आता है, काफी बार आ चुका है, मैं इवन आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सी माइनस 100 एल माइनस 84, ठीक है, एक क्वेश्चन ही मेरे पास है यहाँ पे सी माइनस 100 एल माइनस 84, माइनस 100 एल माइनस 84, तो अच्छा उसके साथ साथ उन्होंने टोटल टाइम दे रखा है 168, वेज दे रखा है, मान लो वेज दे रखा है 10 मान लो, ठीक है, नॉन लेबर इनकम दे रखा है, नॉन लेबर इनकम 240, ठीक है, नॉन लेबर इनकम दे रखा है 240, प्राइस दे रखा है यहाँ पे 1, ठीक है, नो क्या क्या पूछ रहे हैं, पहला तो पूछते हैं कंस्ट्रक्ट द बजट कंस्ट्रेंट, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है सॉल्व फॉर MRS, कमेंट ऑन द यूटिलिटी फंक्शन, कमेंट ऑन दी यूटिलिटी फंक्शन, एंड थर्ड मान लो सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ सी एंड आर, सी एंड एल, एल डू नॉट फॉर लेजर, ठीक है, एंड डी ए लिख लो आप लोग, सॉल्व फॉर ओवर टाइम वर्क इफ एम्प्लॉयर ऑफर्स ओवर टाइम वेज दैट इज ₹50, ठीक है, दैट इज ₹15।
दैट इज रुपीज 15। ये सॉल्व करो बेटा, पहला पहला दोनों स्टेप सॉल्व करो, ठीक है, एक मिनट में आया। कुछ करा अजय?
मेरा ऊपर रोज नहीं दिया को है, मैं एक कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो दिया था मैंने, पता लगेगा कि कितनी तैयारी कर रहे हो। अच्छा लिख लिया था ना ये, चलिए देखिए जरा ध्यान से। यहां से पहले तो जैसे सबसे पहले बोला उन्होंने कंस्ट्रेंट दी बजट कंस्ट्रेंट, तो सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। वो कैसे होगा जी बजट कंस्ट्रेंट, देखो टेक्निकली तुम लोगों को इक्वेशन पता है डब्ल्यू आर प्लस का पी सी इज लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू टी प्लस का एन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको पता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको अच्छे से मालूम है। तो आपके को वैल्यूज पुट कर दो, डब्ल्यू डब्ल्यू कितना दे रखा है, वेज कितना दे रखा है यहाँ पे 10, आर ये रहा पी सी, वन पी वन दे रखा है, सी ये हो गया डब्ल्यू टी, और ये हो गया 10 इंटू टोटल टाइम दे रखा है 168, ये दे रखा है 240। तो 10 आर प्लस का सी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1680 प्लस का 240, और ये हो गया आपका 0 12 7 9 1 1 9 डन। सो दिस इज आपको देखो जब बजट कंस्ट्रेंट है तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये R का आगे, अच्छा मैंने R लिया है, ये L में है, ठीक है, वो जरा तुम सही कर लो बस, वो L में है, ठीक है, ये C है वो L है, तो यहाँ पे हो गया L और C। टेक्निकली आपको सबको पता है कि ये और ये ऐसी बनेगी, ये जो गैप है ये है 240, पता है ना बात है तुम लोगों को, बस मैंने सिखाई है पहली क्लास में। अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू तो ये इसी का है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन आप सबको पता है W बाय P होता है, वट इज डब्ल्यू डब्ल्यू टेन पी इज वन दैट इज 10, ठीक है, गॉट इट। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है वो हमसे, सॉल्व फॉर एम आर एफ। एम आर एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम यू एक्स एक्सिस वेरिएबल, वट अबाउट वट इज एक्स एक्सिस, इट्स एल, तो एम यू एल अपॉन में MUC, मतलब MUX by MUY होता है, MUX upon में MUY, अब X की जगह पे यहाँ पे क्या है L है, और Y की जगह पे यहाँ पे क्या है C है, ठीक है, तो बस समझ आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। चलो आपने जब इसको यूटिलिटी आपके पास ये है C माइनस का 100, L माइनस का 84, तो आपने जब सॉल्व किया इसको तो सोचो जब आप इसको MUL में कर रहे हो टेक्निकली, तो इतनी तो मैथ आपको आनी चाहिए, MUL में करो तो यहाँ पे आ जाएगा C माइनस 100 अपॉन, जब MUC में करो तो L माइनस का 84, तो ये हो गया आपका MRF। आपको ये पता होना चाहिए कि X एक्सिस वेरिएबल लेजर है, L है, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है हमेशा, चलो ये बात हो गई, सॉल्व फॉर दी MRF एंड कमेंट ऑन दी यूटिलिटी फंक्शन, यानी वो सारी कहानी डिस्कस करोगे क्या। अब मैंने आपको बात सिखाई है कि अगर X एक्सिस वेरिएबल बढ़ता है तो देखो एम आर एफ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एल एक्स एक्सिस वेरिएबल क्या है, एल लेजर, अगर वो बढ़ता है तो एम आर एफ क्या हो रहा है बेटा, कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, ये कम होता हुआ दिख रहा है, और जब ये अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब हमारा प्रेफरेंस कैसा है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, यानी मैंने जो स्टेटमेंट सिखाई है वही फॉलो करना, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, ठीक है। एक 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 स्टूडेंट तो थोड़ा सा डाउट क्या क्या सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, तो मैंने कहा बेटा देखो टेक्निक है कि अगर लेजर बढ़ेगा तो एमआरएफ कम होगा, नहीं सर ये पता कैसे चलेगा स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि देखो जब एक्स एक्सिस वेरिएबल बढ़ता है तो जो एमआरएफ का मतलब होता है ट्रेड ऑफ, तो वो ट्रेड ऑफ टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है मैथमेटिकली, नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, समझ में आ रही बात मेरी, देखो हर क्वेश्चन का बिल्कुल सीधे सीधे आंसर हो ये कोई जरूरी नहीं, कभी कभी आंसर हमें कनेक्ट करके मिलते हैं, तो बस अपने माइंड में रखिएगा। अब जब मैंने फिर समझाया कि बेटा देखो ऐसा होता है अगर आप एक्स एक्सिस वेरिएबल को बढ़ा रहे हो तो जो एमआरएफ है जो ट्रेड ऑफ टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है, इसका मतलब कमोडिटी गुड है,
इफ यू कंज्यूम मोर ऑफ एनी गुड देन उसका ट्रेड ऑफ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा उसको कंज्यूम करना चाहते हो आप, इसका मतलब कमोडिटी अच्छी है। और जब कमोडिटी अच्छी होती है तो हम उन केसेस में उनको स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस मानते हैं। नहीं आप समझ नहीं रहे हो, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कैसे होगा? समझ में आ गई बात? तो जिसको नहीं समझनी होती तो उसके लिए तो कुछ भी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जिसको नहीं समझनी होती। अब एक मूवी आई है राम सेतु, मैंने देखी है, ठीक है, तुमको सारी चीजें देखनी कली तो आई है वो, तो टेक्निकल से बात है। अगर मैं उनको साइंटिस्ट के हिसाब से बात करूं तो जिनकी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है राम सेतु को लेकर, जिनकी ये श्रद्धा नहीं है, जिनका ये मेथोडोलॉजी नहीं कनेक्ट होती उनकी, ठीक है, तो उनकी नजर में आप उनको कितने, उनको अगर साक्षात राम जी भी आ गए ये कहने की मैंने बनाया था, मतलब हाई बिल्कुल एंड बता रहा हूं, बिल्कुल एंड के अगर साक्षात खुद ही बताया उन्होंने आके कि ये है असल में, वो तब भी नहीं मानेंगे। और जिसकी श्रद्धा है उसके लिए इतना काफी है कि हाँ यार हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बोला है राम सेतु, ये राम सेतु है, ये उन्होंने बनाया है, मेरी बात समझ में आ गई। तो जिसको नहीं समझनी बात तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, जिसको समझनी उसके लिए एक क्लू काफी है। मैंने फेस करा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कंजम्पशन और रेस्ट आर दी नॉन गुड कम्युनिटीज, रेस्ट एंड कंजम्पशन आर जनरली नॉट नॉर्मल, आप कहते हो गुड कम्युनिटीज। टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में इसका सोल्यूशन कैसा होगा, हमेशा इंटीरियर सोल्यूशन होगा। मैंने आपको चीज समझाई है, और इंटीरियर सोल्यूशन के लिए मेरे बच्चों आपको यहाँ पे टेंजेंसी नेसेसरी हो जाएगी। और टेंजेंसी नेसेसरी होने का मतलब क्या होता है, टेंजेंसी कंडीशन सेटिस्फाई होने लग जाएगी, दैट इज MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। यही वाली बात तो है, MRS इक्वल्स टू W/P, क्योंकि W/P यहाँ पे प्राइस रेशियो है। सो दिस इज द कंडीशन, राइट, दिस इज द कमेंट, दिस इज द कमेंट, गॉट इट? अतः जल्दी नोट कर लो अजय भाई, फिर हम आगे बात करते हैं। हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। जल्दी नोट करना बेटा इसको। अच्छा, बताओ क्या बात, क्लियर? चलिए आगे बात। अब देखो मैं आपको बात बता देता हूं, जैसे आपने ये बता दिया तो इसका मतलब हो गया कि कैसा प्रेफरेंस आ गया, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ना बेटा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो अब आप ऐसा समझिएगा, इसका डायग्राम बना देता हूं मैं दोबारा से, दोबारा डायग्राम बनेगा इसका। ये टेक्निकली आपको बात समझ में आ गई कि ये इसका जो डायग्राम बनेगा, ये रेस्ट है और ये कंजम्पशन, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आईसी, ठीक है? हाँ यार, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ यार, ठीक है, एल। हाँ नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के मैंने लिखा ही है, एल यहाँ पे लेजर है, लेजर मतलब रेस्ट को कहते हैं, ठीक है, एल यहाँ पे लेजर है, लेबर सप्लाई का फॉर्मूला होगा, टोटल टाइम माइनस का रेस्ट, ठीक है। मैंने सिंपल जानबूझ के यहाँ पे एल ले लिया, मुझे आर लेना चाहिए था, अब वो रहने दो कंटिन्यू एल को ही, ठीक है। चलो अब इसका थर्ड पार्ट, हाँ नहीं, लेबर सप्लाई इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस का रेस्ट। अब आ गया फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज, वी हैव अ यूटिलिटी फंक्शन, दिस सी माइनस का 100
एल माइनस का 84। इसमें ना एक पार्ट अभी और जोड़ेंगे हम लोग, वेट करना, पहले करा दूं, फिर पांचवा पार्ट और जोड़ूंगा मैं, ठीक है। ये अब इसका एम आर एस सबको पता है क्या है, इसका एम आर एस सी माइनस का 100, एल माइनस का 84, ठीक है। एंड वी हैव अ बजट कंस्ट्रेंट, क्या है बजट कंस्ट्रेंट, क्या था 10 एल प्लस का सी इज लेस देन इक्वल्स टू 1920, ठीक है, मरी क्या है बजट कंस्ट्रेंट। अच्छा स्लोप क्या है इसका, इसका स्लोप 10 है, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोगों को पता है एम आर एस इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू बाय पी होगा, और एम आर एस है सी माइनस का 100 अपॉन में एल माइनस का 84, दैट इज 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो इसको, देन यू विल गेट योर आंसर। तो ये आया बेटा C माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू एल माइनस का 84। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आया C इज इक्वल टू 10 एल माइनस का 840 प्लस का 100, देन इट बिकम्स this. So C is equals to 10L minus ka 740. C is equals to 10L minus ka 740. Got it? Now, ye question number one hai. Put the value of C from equation one in budget constraint, budget equation. ठीक है? That is 10L plus का C. ये आपने C की वैल्यू यहां पुट कर दी। अच्छा मैं अब यहां पे इक्वल टू लिख रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं तो इक्वलिटी इक्वलिटी आ जाती, ठीक है। ये हो गया 20L is equals to 1920 plus का 740. It is 0662. यहाँ से ये गया, L की वैल्यू आ गई 133, यानी ये रेस्ट है। L मतलब लेजर, कितना आ गया ये 133, रेस्ट कितना आ गया फ्रेंड्स, L इज इक्वल टू आ गया 133। वहीं अगर मैं आपसे कंजम्पशन की बात करूं तो वो थी 10L माइनस का 740, 10 इंटू 133 माइनस का 740, इट इज 1330 माइनस का 740, और अगर आपने माइनस करा तो कितना आएगा, 13 में से 4 का, इट बिकम्स 9, ठीक है, 12 में से 7 का, इट्स 590, ठीक है, इट्स 590। कंजम्पशन आ गया 590, गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन है वाला, बढ़िया। आज मैंने पूरा लेबर सप्लाई वाले पे ही रखी क्लास, आज पूरा इसी का डिस्कशन, मैं चाहता हूं आप भूलो ही ना, आने दो क्वेश्चन कैसा भी आता है, और अभी मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा अब मैं डायग्राम, देखो डायग्राम साथ साथ बनाते हो, चलो सबके ए बी सी डी सबके, तो सी वाले पार्ट का डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा रहेगा, ये एल, यहाँ पे कंजम्पशन, ये मेरी बजट लाइन थी, ठीक है, ये था 168, टेक्निकली ये 1920 था, अगर आपने इसको मान लो आपके डिफरेंस कर यहाँ पर कहीं पर आया था, जो इक्विलिब्रियम इधर आया होगा, तो टेक्निकली बात ये है कि मैं इतने टाइम आराम कर रहा हूँ। अच्छा अब आप बताइएगा वर्क कितना टाइम हो गया, तो टोटल टी माइनस का एल, ये है 168 माइनस का 133, तो इट बिकम्स व्हाट 5, और 16 में से 13 गए 35, सिर्फ इसको थोड़ा ठीक कर दूं, मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं इसको, यहां पे कहीं ऐसी आया इसका, ठीक है, इधर कहीं, सो इतने घंटे क्या हुआ काम हुआ 35, और इतने घंटे क्या हुआ आराम हुआ 133, ठीक है। तो दिस इज रेस्ट, दिस इज वर्क, and this is my consumption, that is
590, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई मेरी। ये सी पार्ट हुआ है अभी तक, अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट इसका चैलेंजिंग है, वही सारा गेम है, तो पहले उसको समझ लेते हैं डी पार्ट को, ठीक है। डी पार्ट में आपको दिख चुका है कि क्या पूछा है। उन्होंने बोला है कि ओवर वेज ओवर टाइम वेज दे दी उन्होंने 15 रुपीज, ठीक है, 15 रुपए दे दिए ओवर टाइम वेज। सो अब बताओ जी कितना होगा अमाउंट, ठीक है। अब जरा समझिएगा डी पार्ट, डायग्राम बाद में बनाएंगे उसका, डायग्राम में पहले समझा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, वो मैं पहले देखो डायग्राम हमेशा ना पहले आप डिजिट्स निकाल लो, डिजिट्स के बेसिस पे बनाओ, ठीक है। अगर आप ओरल बनाओगे तो ओरल फिर वैसे बनाओ जैसे मैंने समझाया, फिर सारी बातें लिखो, समझिएगा गाइस। ओवर टाइम वेज कितनी है, ओवर टाइम वेज उधर रखिए 15, ठीक है भाई, ओवर टाइम वेज है 15, 15 रुपए है ओवर टाइम वेज। नाउ ये है डब्ल्यू डैश, जैसे एग्जाम्पल बात करूं तो मेरे पास जो डैश बचा दैट इज 15 आर प्लस का सी इज लेस देन इक्वल्स टू, अब देखिए समझेगा जो इनकम है ये तो डब्ल्यू आर प्लस का सी होगा, डब्ल्यू पे न्यू वेज आ गए, ठीक है। अब ये क्या होगा, पहले तो मैं 35 घंटे काम कर रहा हूँ, 35 आवर्स काम कर रहा हूँ एट द वेज ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। दिस इज माई टोटल इनकम, पर बेसिकली गेन मैं 35 आवर्स काम कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। फिर प्लस व्हाट दे ऑफर टू मी, दे ऑफर 15 रुपीज फॉर ईच आवर्स, हर घंटे के लिए 15 रुपए देंगे, और मेरे पास टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स कितने हैं, 133, जैसे पहले मेरे पास थे 168, तो बट 168 में से मैंने 35 तो काम कर लिया, इतना इसमें से मैंने इतनी इनकम कमा ली है, अब कितने आवर्स बचे मेरे पास, 133, क्योंकि जो ओवर टाइम ऑफर होता है वो रिमेनिंग आवर्स पर होता है। और आप सोचोगे सर रिमेनिंग में सब हर सारे घंटे थोड़ी ना काम कर रहे हो, बेटा वो तो मेरे डिसीजन होंगे ना, वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएंगे यहां से 133 प्लस नॉन लिविंग का मुझे पता है दैट इज 240, ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आफ्टर ओवर टाइम ऑफरिंग जो इनकम साइड है बदल जाएगी, वो तीन पार्ट में होगी, तीन पार्ट में से एक पार्ट तो कंफर्म है नॉन लेबर का आएगा, उसको तो आप छेड़ नहीं रहे, आप सिर्फ इसको स्प्लिट कर दो। अब देखो 35 आवर्स प्लस 133 इज टोटल 168, यानी जो आपके 168 आवर्स हैं अब वो डिवाइड हो गए, इनमें से 35 आवर्स के लिए तो आपको 10 रुपए दिए जा रहे हैं, और जो रिमेनिंग आपके 133 हैं उनके लिए आपको 15 रुपए दिए जा रहे हैं। ये आप कंफर्म कर चुके हो, ये मैं कंफर्म काम करूंगा ये डिसाइड कर चुके हो, इसमें से डिसीजन लोगे। अगर इसमें से आप 133 आवर्स काम कर लेते हो टोटल सारे के सारे, तो आपको 15 रुपए मिल जाएंगे टोटल, ठीक है, पर आवर। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। नाउ कैलकुलेशन कर लो इसकी, 350 अजय करना कैलकुलेशन, 15 into 133, 195 होता है, एक बार करना कैलकुलेट सही करा है मैंने, सही है मेरी कैलकुलेशन, क्या बात। वैसे मैं मुझे यकीन नहीं होता अपनी कैलकुलेशन पर, क्योंकि मेरा ध्यान इकोनॉमिक्स पर है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पर नहीं है, ठीक है। अच्छा सम करके बताना बेटा इसका क्या रहा है जय भाई, सारे दिनों को मिला के 2585। सो दिस इज माई न्यू बजट कंस्ट्रेंट, राइट। अच्छा एक बात बताओ, टेक्निकली एट इक्विलिब्रियम टेंजेंसी आएगी, टेंजेंसी मतलब होता है एम आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, नाउ डब्ल्यू डैश दैट इज 15, तो एम आर एस था इसका सी माइनस का 100, एल माइनस का 84 इज इक्वल टू 15, क्योंकि जहां पहले आप 10 रख रहे थे अब क्या रखोगे यहां पे 15,
पहले आप 10 रख रहे थे, अब यहाँ पर रखोगे 15, तो यहाँ पे आ गया c माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 15 इनटू l माइनस का 84। अगर बेटा मल्टीप्लाई करना है इसको, 15 को l से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 15 4 60 15 8 120 1260 right, c is equal to 15 l 1160 है ना। हाँ ये 1160 है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दो गाइस, सारी बातें सेम है, गेम से भी इधर आ रहा है एमआरएस पर। अब एमआरएस कुछ भी हो है ना, पुट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन द बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट में आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो बच्चों। ठीक है, तो वो क्या था बेटा, 15 अच्छा मैंने फिर आर लिख दिया, कोई बात नहीं, 15 आर या एल गाइस, आर या एल कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। प्लस का सी इज इक्वल टू 2585 आ गया आपका 15 एल माइनस का 1160 इज इक्वल टू 2585 ये आ गया 30 एल इज इक्वल टू 2585 माइनस का आई थिंक माइनस और प्लस आएगा ना, पता नहीं बेटा कितना आ रहा है, प्लस 2585 प्लस ये माइनस है ना 3745, इसको डिवाइड कर दो 30 से 124.83। हम इसको लमसम में 125 कर सकते हैं ओवरऑल, मतलब एवरेज वो, क्योंकि 5 से ज्यादा है ना वो, इसलिए वो उधर आ जाएगा, वो टेक्निकली है। तो ये आ गया हमारा L। टेक्निकल बात ये है फ्रेंड्स कि अब आपने अगर आप ध्यान से देखें ये आपका L, ये आपका रेस्ट है। नाउ व्हाट इज ओवरटाइम वर्क, ओवरटाइम वर्क ऑब्वियसली बात होता है रिमेनिंग आवर्स माइनस लेजर। अब रिमेनिंग आवर्स कितने थे मेरे पास में, 133। ठीक है, उसमें से लेजर कितना चूज कर रहे हो आप, 125, तो कितने घंटे काम हो रहा है, सिर्फ 8 घंटे। तो ओवरटाइम वर्क कितना आ गया, 8 आवर्स। समझ में आ गई, मतलब अगर 15 रुपए ऑफर करें तो वो सिर्फ कितने घंटे काम कर रहा है, सिर्फ 8 आवर्स काम कर रहा है। ठीक है, ओवरटाइम वर्क, ओवरटाइम वेज, ओवर टाइम इनकम, दैट इज 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स के लिए कितना ऑफर हुआ है उनको, है 15 रुपए, तो 120 रुपीज। टेक्निकल पास में आ गया आप लोगों को, यानी उनको 133 घंटे काम करने का ऑप्शन था, बट उन्होंने उसमें से कितने घंटे चूज करा, सिर्फ 8 घंटे काम करना चूज किया है। ठीक है, उनकी मर्जी है भाई, आप कुछ तो थोड़ी कह सकते हो। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ना, मजेदारी है, अब मजा आएगा तुम लोगों को अब। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब पता है क्यों, अब तुम समझ गए हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। जल्दी से कर लो नोट बेटा,
हो गया बेटा। चलिए, सो जितने बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, प्लीज बेटा जैसे क्वेश्चन मैंने कराया तो आप ट्राई करो कि ये जो बच्चे लाइव भी हैं, तुमसे सबसे कह रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस को ना लिखकर फिर एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला बजट, अब पूरा इसका डायग्राम बनाओ, तो बढ़िया से डायग्राम बनाओ इसका, बढ़िया से, ठीक है। मैं एरिया को ले लेता हूँ, जितना भी एरिया मुझे दिया गया है इस एरिया को इस्तेमाल कर लेता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एल है, ये कंजम्पशन है, और टेक्निकली मैंने मान लो ये मेरा था 240, ये है 168। मान लो मेरा आईसी का यहां पर आया था, मुझे 35 आर्स ही हो गया था, 133 आ गया था, ठीक है। टेक्निकली ये बात तो चल रही थी। उसके बाद में अच्छा, ये जो बजट लाइन थी कौन सी वाली थी, ये क्या थी, ये थी 10 एल प्लस का सी इज इक्वल टू 1920, और इसका जो स्लोप था वो था 10 ओनली, ठीक है। ये वाली बजट लाइन का, ये वाली यहां से लेकर ये लाइन थी। उसके बाद आपने न्यू बजट लाइन बनाई, अब मतलब आपका ये कंसेप्ट यहां से स्टार्ट हुआ, तो आपकी न्यू बजट लाइन बनी। आप देखिए न्यू वाली ये बनी है, और पता है कि अगर आप फैक्ट के अकॉर्डिंग भी चलोगे ना, तो जैसे कि आपने पहले इक्वेशन बना ली, तो इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, इक्वेशन आपके सामने ये वाली है, दैट इज ये बजट लाइन है 15L, इसे लिख लेता हूं मैं, 15L प्लस का C इज इक्वल टू 2585। तो ऑब्वियसली बात है इसमें कितना डिफरेंस है, अगर इसकी अगर ये बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है ये आगे भी तो बढ़ेगी, और दूसरी बात इसका स्लोप कितना है 15, इसका 10 इसका 15, तो इसका स्लोप ज्यादा तो होगा फ्रेंड्स, है ना। मान लो अब आईसी जो आ रहा है रैंडम बेसिस पे, यहां मान लो यहाँ पे आईसी आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आईसी 2, तो इधर इसका मतलब क्या है, अब इनमें से मैंने इतने घंटे काम किया, दैट इज ओवर टाइम वर्क, मतलब ये हो गया आपका ओवर टाइम वर्क, दैट इज 8 आवर्स, और ये वर्क ये क्या हो गया आपका रेस्ट, दैट इज 125 आवर्स। क्लियर, ये है टेक्निक। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें एक पार्ट में आपको और करवाऊंगा, इसमें एक पार्ट में आपको और करवाऊंगा, जरा पहले इतना नोट कर लीजिए। अभी जो मैं पार्ट करवाने वाला हूं वो बहुत अच्छा है, मैं मान के चल लूं कि पेपर में वो चीज नहीं पूछी जा सकती, मैं मान के चल लूं कि नहीं पूछी जा सकती, लेकिन मैं फिर भी आपको तैयार कराना चाहता हूं। देखो अब मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो आफ्टर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स को नहीं लेना चाहते, इवन वो सिविल सर्विसेज भी करते हैं एग्जांपल, तो वो एमए कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑप्शन लेने में डरते हैं, कहते भैया बहुत टफ थी। पता है क्यों टफ थी, वो इसलिए टफ थी क्योंकि तो पढ़ाते हुए आपको पूरा ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ाया गया, है ना, प्रिपरेशन कराते हुए एकेडमिक में नहीं पढ़ाया गया, पेपर में आपको कोई नया मिल गया तो आप और आपके फिर थोड़ा बहुत नंबर अफेक्ट हो गया, तो आपकी नजर में ये होता है कि पेपर बहुत टफ आता है। एक्चुअली पेपर टफ नहीं आता, वो आपको ब्रॉड पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड, अगर आप ब्रॉड लेवल पर पढ़ लोगे तो सब कुछ अटेम्प्ट कर लोगे, और जहां आपके मार्क्स और जो मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये इस चीज में कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारी इंटेलिजेंसी चेक होती है, जो कि गलत है। भाई मेरे नंबर अगर 100 में से 99 तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और मेरे नंबर अगर 100 में से 40 तो मैं बहुत बेवकूफ हूँ। हो सकता है 40 नंबर मेरे इसलिए आए क्योंकि उस दिन चीटिंग नहीं हो पाई थी और मैंने अपनी मेहनत से लेकर आया था, और सत्य 99 नंबर इसलिए आ गए क्योंकि उस दिन भर के चीटिंग हुई थी ओपन बुक एग्जाम से, इसलिए 99 आ गए। टेक्निक्स बातें हैं, तो मार्क्स के बेसिस पे नहीं बट हाँ नॉलेज के बेसिस पे जाओ। अब एक जो पार्ट मैं आपको लिखवाने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ऐसा होता है सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको डिसाइड करना होता है वर्क और नो वर्क। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर इसके बाद आपका एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाता है, डीएससी में हो गया मान लो, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो तुम्हारा मास्टर्स में हो गया, तो सबको पता प्लेसमेंट लगेगी,
प्लेसमेंट के लालच में जा रहे हो, बाकी कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां की कैंटीन बहुत पसंद है इसलिए जा रहे हैं वहां पे, नहीं प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो। तो जब आपकी प्लेसमेंट लग रही है तो अच्छे खासे पैसे ऑफर हो रहे हैं, तो जब वो पैसे ऑफर हो रहे हैं तो आपका डिसीजन टाइम होगा वाला। ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% हर कोई प्लेसमेंट ले लेता है, ऐसा तो आपकी ग्रेजुएशन की बेसिस पे भी प्लेसमेंट लग सकती है। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में एनरोलमेंट करा लो, अगर आप प्लेसमेंट में एनरोलमेंट करा लो तो मे भी आपको इंटरव्यू में ऑप्शन मिल जाए। बट क्यों ग्रेजुएशन के बाद आप प्लेसमेंट लेने पसंद नहीं करते, या कोई क्यों नहीं लेने पसंद करता, कुछ ले लेते हैं कुछ नहीं लेते प्लेसमेंट, द रीजन बिहाइंड, वहां पर जो आपको वेज ऑफर हो रही होती है वो आपकी पसंद की नहीं होती। मान लो आप ट्वेल्थ करी थी तो ट्वेल्थ के बाद भी आप जॉब कर सकते थे, बट ट्वेल्थ के बाद आपको जॉब जो मिलेगी उसमें जो आपको वेज मिलेगी वो आपकी पसंद की नहीं होगी। आप ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब कर सकते हो तो हो सकता है वो आपकी पसंद की ना हो। तो वर्क और नो वर्क में यू डिसाइड टू नॉट वर्क, टू डू नॉट वर्क, ठीक है, आपने काम नहीं करना पसंद किया। पीजी के बाद भी, मास्टर्स के बाद भी हो सकता है कि आपको ना पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। अब मैटर ये करता है कि आप ये कब डिसाइड करते हो कि मुझे काम करना है और नहीं करना। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। Why you choose not to work? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों को भरोसा है, या उस इंसान को भरोसा है जो काम नहीं करना पसंद कर रहा है, कि अगर मैंने काम नहीं करा तो मेरा गुजारा चल जाएगा क्योंकि मेरे को पॉकेट मनी बहुत अच्छी मिलती है। तो टेक्निक सी बात है, अगर आपको घर वाले पॉकेट मनी के नाम पे, मान लो कोई बच्चा अपने होम टाउन से दिल्ली में शिफ्ट होकर रह रहा है, तो मोरोलेस 40-50 हजार, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 महीना घर वाले खर्च कर रहे हैं और कर रहे हैं, तुम भी डिसेंट लाइफ जी रहे हो, जैसे एग्जांपल पीजी में अच्छा खाना पीना हर चीज ठीक ठाक, सेफ लाइफ, ठीक है, एजुकेशन ठीक ठाक हो रही है, घर वाले कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं, तो 50,000 महीना आपका खर्चा है, तो आप ही मान के चलो कि अगर मेरी जॉब करूंगा मैं, क्योंकि 50,000 तो आपका जनरल खर्चा है, तो घर वाले अभी उठा रहे हैं, अभी मान के चलो यार कम से कम इतना तो मुझे अर्न करना ही है। अब जॉब वाले अगर आपको 10,000 देंगे तो करोगे काम, क्यों नहीं करोगे? यार 50,000 तो मेरे घर वाले दे रहे थे। टेक्निकल बात ये है कि घर वाले तब तक दे रहे हैं जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर देंगे, नहीं, जब तक दे रहे हैं जब तक जॉब नहीं लग रही। तो तुम जॉब कर, और एक्सपेक्टेशन वही है कि अभी वो दे रहे हैं फिर बाद में तुम उनको देंगे, तो अच्छा लगेगा कि जब तुम उनसे ले रहे थे तो तुम तो 50,000 ले रहे थे, और जब उनकी लेने की टपाड़ी है तो तुम 10,000 रुपए, 10,000 टोटल इनकम, तो 5,000 रुपए दे रहे हो, बुरे लगेगा ना। तो इसे हम कहते हैं वो वेजेस, जिन वेजेस पे तुम लोग डिसाइड करते हो वर्क और नो वर्क, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाट इज द रिजर्वेशन वेज, अब इसका पहले तो आप रिजर्वेशन वेज का मीनिंग ही समझ लीजिएगा। A wage at which agent decide between work and no work। आप ये भी कह सकते हो agent is indifferent between work and no work, ये भी आप कह सकते हो, decide करना या indifferent रहना। अब सोचो कि वो indifferent है, अगर वो काम करता है और काम वो नहीं करता तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा दोनों बातों में, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट वो होता है, इस टर्म में हम जो वेज होती है उसको आप मिनिमम वेज कहते हो, दिस इज समटाइम्स नोन एज अ रिजर्वेशन वेज, ठीक है, इसे आप मिनिमम वेज कहते हो, एंड समटाइम इट इज नोन एज रिजर्वेशन वेज। आई थिंक इट दिख नहीं रहा वहां पे, राइट, ठीक है, रिजर्वेशन वेज, ठीक है, रिजर्वेशन वेज, ठीक है बेटा। अब जरा आप समझिएगा ध्यान से, आप जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को।
टेक्निकल सी बात है, टेक्निकल सी बात है, इफ यू चूज, इफ एन एजेंट चूज टू डू नॉट, या टू नॉट टू डू एनी वर्क, इट मीन्स ही और शी इज कंप्लीटली डिपेंड्स, किस चीज पर डिपेंड्स? ऑन नॉन लेबर इनकम, नॉन लेबर इनकम, इट कंप्लीटली, एंड इन दिस सिचुएशन ही और शी विल चूज कंप्लीट आवर्स एज रेस्ट। यानी इस सिचुएशन में जो रेस्ट हो जाएगा या एल हो जाएगा लेजर, वो हो जाएगा टोटल टाइम। इस सिचुएशन में जो रेस्ट या एल हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल टाइम। ऑब्वियस बात है, व्हेन यू चूज नॉट टू डू एनी वर्क, ठीक है, ठीक है, अगर आप कोई भी काम नहीं करोगे, इसका मतलब आप अपनी नॉन लेबर इनकम पे डिपेंड हो जाओगे, और सिचुएशन में आपका फुल टाइम कितना हो जाएगा? रेस्ट, ठीक है, आपका फुल टाइम हो जाएगा रेस्ट, एंड आपकी जो कंजम्पशन हो जाएगी एन बाय पी। आप अगर याद करो तो मैंने आपके पास सिखवाई थी, जनरली पी यहाँ पे वन होता है, जनरली पी क्या होता है? वन, जनरली। तो अगर आप पी को वन बोलते हो तो कंजम्पशन आपकी एन हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आया? आगे मिली आप लोगों को? कंजम्पशन आपकी यहाँ पे एन हो जाएगी, यानी सिंपल सा लॉजिक है, तुम अपने नॉन लिविंग इनकम पे डिपेंड रहोगे, ठीक है। ये लेजर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लेबर सप्लाई होता है वो एलएस होता है, एलएस, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा लेबर सप्लाई तो मैं एलएस लिखूंगा, यहाँ पे जो एल है वो लेजर है, मैंने जानबूझ के एल भी लिख दिया आपके लिए, ठीक है। इन सिचुएशन में आप खुद सोचो, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके दो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिमम वैल्यू को सॉल्व करना। तो ध्यान रखना, दीज वैल्यूज आर व्हेन बेसिकली आर इक्वल्स टू टी एंड सी इक्वल्स टू एन आर दी ऑप्टिमम वैल्यूज, क्योंकि आप इनको खुद चूज कर रहे हो। और अगर ये ऑप्टिमम है तो इसका मतलब है These points या these values are lies on utility curve or IC as well as on budget line. Am I right here? कोई भी ऑप्टिमम पॉइंट होता है, उसकी खास बात क्या होती है कि वो यूटिलिटी कर्व यानी आईसी पे भी आता है और बजट लाइन पे भी आता है, कोई भी बात अगर ऐसी होती है तो, ठीक है, वो दोनों जगह ही आता है, दोनों जगह ही बेसिकली आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, आप खुद सोचिएगा, मैंने जैसे डायग्राम बनाया, ये लाइन बनाई, ठीक है, सोचना जरा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। जैसे ये हो गया कंजम्पशन और ये हो गया एल, एल या आर जो भी आप कह रहे थे, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा हो गया नॉन लेबर इनकम सी बार, ठीक है, ये हो गया 168, दिमाग लगाना, ठीक है। ये सो व्हाट यू चूज हियर, यू चूज टू टेक फुल टाइम एज रेस्ट, यू चूज फुल टाइम एज रेस्ट, यानी आपका फुल टाइम रेस्ट ये हो जाएगा और आपकी कंजम्पशन एन के बराबर हो जाएगी, यानी आर इक्वल्स टू 168, एम राइट हियर? इफ यू चूज, क्योंकि मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इफ एन एजेंट चूज टू नॉट टू डू एनी वर्क, इसका मतलब आपका फुल टाइम रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क कुछ नहीं करना, इसका मतलब आपकी कंजम्पशन किसके बराबर हो जाएगी?
क्वेश्चन के हिसाब से 160 है, वो 240 क्वेश्चन के हिसाब से, सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी क्वेश्चन में नॉन लेबर कितनी है 240, ये हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट पूरी पजल में कहां पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, इस पर, राइट, इस पर दिख रहा है। और ये बात बोली कि ये जो पॉइंट है ये बजल लाइन का पॉइंट होगा और साथ साथ इसका पॉइंट होगा आईसी का, ये बजल लाइन का पॉइंट होगा साथ साथ आईसी का पॉइंट होगा, इसका मतलब इंटरफेरेंस कर्व यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी आ सकता होगा, तो इंटरफेरेंस कर्व यहां पे ऐसा आ जाएगा, इंटरफेरेंस कर्व ये, ठीक है। इसके बाद मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाया क्योंकि इसके बाद वैलिड नहीं है आईसी, ठीक है, इसके बाद का कंसेप्ट है नहीं वैलिड, बट आईसी बनेगा जरूर यहां पर, ठीक है, इसके बाद का वैलिड है नहीं बट फिर भी होगा जरूर। तो ये इस पॉइंट पे, और ध्यान रखना इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉलोनियस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉलोनियस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलोनियस पॉइंट, पॉलोनियस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट इज नोन एज पॉलोनियस पॉइंट। ठीक है जी, पोलोनियस पॉइंट, अच्छा एक चीज और समझना, व्हाट डू यू मीन बाय पोलोनियस पॉइंट, क्या होता है पोलोनियस पॉइंट, मैं आपको बता देता हूं, व्हेन द ऑप्टिमम इज अटेन एट द एंडोमेंट। देखो टेक्निकली ऑप्टिमम है, मैंने बोला ना टेंजेंसी तो हो ही रही है यहाँ पे, चाहे वो कोऑर्डिनेट टेंजेंसी हो रही हो क्योंकि इसके बाद का तो लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैथमेटिकली तो टेंजेंसी हो ही रही है, इकोनॉमिकली नहीं हो रही बट मैथमेटिकली हो रही है। तो जब भी ऑप्टिमम एंडोमेंट पर हो जाए, इफ द ऑप्टिमम लाइज ऑन द एंडोमेंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, दिस पॉइंट इज नोन एज पोलोनियस पॉइंट, एग्जाम में आ सकता है सॉल्व फॉर पोलोनियस पॉइंट। तो पॉलोनियस पॉइंट का मतलब होगा द बेसिकली टेंजेंसी इज एट द एंडोमेंट पॉइंट, राइट, ये समझ में आगे बात। नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व हियर, बेसिकली हमने सॉल्व करना है रिजर्वेशन वेज, ठीक है, रिजर्वेशन वेज, और रिजर्वेशन वेज टेक्निकली क्या है बेटा, यहां पे आपकी टेंजेंसी आ रही है, एमआर जो है वो वेज के बराबर है, एमआर जो है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है। नाउ द वेज, ये जो एमआर से ऑब्वियसली बात है आईसी का तो एमआर सब पे सेम रहेगा, लेकिन वो आईसी जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पे एमआर इज इक्वल टू वेज, ये जो वेज होगा इसी को आप रिजर्वेशन वेज या मिनिमम वेज बोलोगे, वही तो सॉल्व करो भाई, एमआर तो कहीं, ये एमआर तो पूरे पे एक ही रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो वेज होगा उसे आप रिजर्वेशन वेज बोलोगे, राइट। अब मुझे बताओ व्हाट इज द एमआरएस इन दिस कंप्लीट क्वेश्चन, एमआरएस कितना था इसके अंदर, याद है किसी को, सी माइनस 100 अपॉन में एल माइनस का 84, ये बात याद होगी आप लोगों को, ये बात याद है, दिस इज इक्वल्स टू मिनिमम वेज। अब मुझे बताओ ये आ गया मिनिमम वेज इज दिस, अब मुझे यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है एल की और सी की वैल्यूज, क्योंकि मुझे पता है कि इस पॉइंट पे मैं कितना कंजम्पशन कर रहा हूं, कितना रेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं इनके वैल्यूज पुट कर दूंगा यहां पे तो क्या आ जाएगा, इट इज 240 माइनस का 100 अपॉन में 168 माइनस का 84 एंड दिस बिकम्स 140 अपॉन में 84 एंड दिस इज समथिंग, क्या होगा बेटा ये कैलकुलेट करके बताना मुझे क्या है, 140 अपॉन में 84 1.67, this is the minimum wage, मतलब अगर मेरी आईसी यहां पर कट हो जाती है और मेरा ये ऑप्टिमम आते हैं तो इसका मतलब वेज रेट ये रहेगा, एंड दिस इज द मिनिमम वेज, इट मींस व्हाट, अगर ये वेज मुझे ऑफर होगा तो आई एम इनडिफरेंट हियर कंप्लीटली, आई विल डिसाइड नॉट टू डू एनी वर्क एट द, इफ द वेज इज equals to 1.67 and अगर कुछ बदलाव आता है changes, क्योंकि wage इससे कम होती तो वो तो work है ही नहीं फिर, but wage अगर इससे बढ़ती है
देन आई विल डिसाइड, कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या कितना काम कर सकता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन वाले बच्चे सेजल, नेहल, मनवी, इशिता, इशिता बेटा कोई डाउट? नो सर। चलो समझ में आया? ठीक है बेटा, ठीक है, डन, परफेक्ट। चलिए जल्दी से नोट कर लो इसको, और अब हम लोग असाइनमेंट के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, असाइनमेंट देख लेते हैं इसमें, मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 11th क्वेश्चन में काफी ठीक ठीक लग रहा है मुझे, ठीक इन व्हाट सेंस कि आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा कि हाँ यार कुछ अलग बात पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो मेरे बच्चों, आप लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आखिर में, बाइंग एंड सेलिंग में बिल्कुल लास्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ असाइनमेंट। कहते हैं Dudley's utility function is utility is equals to c minus 12 minus r का whole square। ठीक है, जहां पे r है, rest है, c consumption है, उसके पास total time, जो total time है वो 16 hours है। ठीक है, और उसके जो income है, नहीं, he has an income of rupees फ्रॉम नॉन लेबर इनकम, गाइस उसकी नॉन लेबर इनकम है 120 रुपीज। ठीक है, और प्राइस ऑफ द कंजम्पशन दे रखा है 1। ठीक है, पहला पार्ट क्या पूछा है इन लोगों ने आपसे? पहला पार्ट क्या पूछा है? कहते हैं हाउ मेनी आवर्स विल ड्यूडली वर्क इफ द आर्ली वेज रेट इज डब्ल्यू। पता है मैं काम करता हूं, मैंने एक पार्ट जोड़ देता हूं W, दो पार्ट ले लेता हूं, जब W जीरो होगा तो वर्क कितना होगा, और W जब 10 होगा तो वर्क कितना होगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहां पे जोड़ दिया, जानबूझ के जोड़ा मैंने, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, बल्कि तो चलो बात की बात है, इस पे पहले कर लेते हैं। ठीक है, अगर वेज जीरो होगा तो वर्क कितना करोगे आप लोग? वेज जीरो, देन वर्क कितना होगा? जीरो। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने मैडम, कौन बोला मैं देख लो, एक बार फिर बोलना किसने कहा था। चलो कोई बात नहीं, देखो सुनो, बिल्कुल ठीक बोला आपने, मैं भी ये सोचता हूँ, अजय तुम भी सोचोगे, सुधीर सर भी सोचेंगे, सब लोग ये सोचेंगे, नो वेज नो वर्क एक थम रूल है, नो वेज इंप्लाइज नो वर्क, है ना? और भी बात है, हम तो एक गिलास उठा के ना थे किसी को फ्री में, कि मुझे कोई बोले कि ये चीज यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ, है ना, हम तो ये भी ना करें, तो नो वेज नो वर्क, क्योंकि फिर भी मैंने पूछा है, इसका मतलब कुछ बदलाव होंगे। आपका मतलब ये हो गया ना कि सर अगर हमें कोई वेज नहीं दे रहा तो हम काम ही क्यों करें? भाई एनजीओ में हमें पैसे नहीं मिलते, हम काम करते हैं जाके फ्री में। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स होंगे सीए वाले, सीए फ्रेंड्स होंगे तुम्हारे कोई, होंगे डेफिनेटली। ठीक है, सीए वाले वो 12th के बाद बेचारे एंट्रेंस देते हैं, ठीक है, आधे साल में पेपर होता है, फिर उनकी दो साल की वो सीए का वो दो ग्रुप्स होते हैं वो देते हैं, फिर उनकी आर्टिकलशिप निकलती है। ठीक है, आर्टिकलशिप देते हैं, तुमको
कोई फ्रेंड होगा तो वो अपना दर्द सुना देगा तुम्हें, एक दुख भरी कहानी सुना देगा वो डेफिनेटली, कि यार किराया भी जेब से जा रहा है मेरा, मतलब नो वेज है, टेक्निकली कुछ भी नहीं मिलता, वो थोड़ा बहुत जो मिलता है वो तो नाम का मिलता है, 2-3 हजार रुपये देते हैं बस, और 2-3 हजार रुपये जनरली, और एक एक 2 महीने के लिए नहीं, पूरे 2.5 साल के लिए आर्टिकलशिप, यानी टेक्निकली नो वेज नो वर्क वाला थम रूल इज नॉट ऑलवेज, ठीक है बेटा, ये हमेशा नहीं है। अब आप बोलो सर ऐसे कैसे कह रहे हो, हमेशा क्यों नहीं हो सकता, ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, यूटिलिटीज पर। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल, मैं मैक्रो की क्लास के लिए हम कुछ चार्जेस नहीं ले रहे, मैंने रिकॉर्डिंग दे दी आपके को, सर ठीक है आप लाइव नहीं पढ़ा रहे हो, आपका इंस्टीट्यूट का खर्चा बच रहा है, लाइव जिस दिन पढ़ाओगे उस दिन तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ ये वो दुनिया भर की चीजें खर्च होंगी, पैनकिंग और आपका टाइम। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो पोर्टल उसका तो खर्चा है 3200 रुपीज पर स्टूडेंट का खर्चा है, जो हमें फेस करना पड़ता है, 3200 रुपीज पर स्टूडेंट का खर्चा हमें पोर्टल का फेस करना पड़ता है हम अपनी जेब से, तो समझो फिर भी हम फ्री दे रहे हैं, यानी फिर भी हमें वहां से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हम यहाँ पे नो वर्क नहीं, हम वहां पे वर्क कर रहे हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी, कि हो सकता है कि फ्री में काम करके या कुछ ना लेकर जो तुम्हें यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर कुछ लेके काम करने में, राइट। सो गाइस ये क्वेश्चन में ये वाला थंब रूल हमेशा अप्लाई नहीं होगा। अब बोलो सर ठीक है आप इतनी कहानी सुना रहे हो, प्रैक्टिकल फैक्ट लेके बता दो भैया, मैं तो सॉल्व करके बता दो, हम तो सॉल्यूशन को सच मानते हैं, तो जरा सॉल्यूशन सुनो ध्यान से, सॉल्यूशन सुनो ध्यान से, वी हैव कंप्लीटली वी हैव, अगर मैं देखो ये इसको ना एक केस मान लो, मैं आपकी बात सही मान के इसको मैं केस नंबर वन मान लेता हूं, ठीक है इसको मैं केस नंबर वन मान लेता हूं, नो वेज नो वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वेज इज जीरो, नो वर्क का मतलब हो जाएगा कि जो रेस्ट होगा, अगर मैं आराम, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो फुल टाइम क्या कर रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं, राइट। इसका मतलब जब मैं फुल टाइम आराम कर रहा हूं तो मेरी बेसिकली कंजम्पशन किसके बराबर होती है, मेरी कंजम्पशन किसके बराबर होती है, जब मैं फुल टाइम आराम कर रहा हूं तो किसके बराबर होती है फ्रेंड, कंजम्पशन नॉन लेबर इनकम के। ये बात तो सच है, फुल टाइम आराम करने का मतलब डिसाइड नॉट टू डू एनी वर्क, तो मेरी जो कंजम्पशन होगी वो डिपेंड करेगी नॉन लेबर इनकम पे, और नॉन लेबर इनकम कितनी है 120, ठीक है। और टेक्निकली बात क्या है, टेक्निकली बात क्या है, ये ऑप्टिमम वैल्यूज है। नाउ मुझे ये चीज चेक करनी है, मुझे ये चीज चेक करनी है, अगर ये मैंने चूज करा, ये मेरे खुद के डिसीजंस हैं, भाई वेज कुछ नहीं थे तो मैं आराम फुल टाइम करूंगा और मेरी कंजम्पशन मेरी नॉन लेबर इनकम के बराबर होगी, व्हाट अबाउट माय यूटिलिटी, व्हाट अबाउट माय यूटिलिटी, क्या होगी मेरी यूटिलिटी बताओ जी, क्या होगी यूटिलिटी, थी सी माइनस का 12 माइनस का आर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सी कितनी है, अब देखो कंजम्पशन है 120, वो एक मिनट, ये 120 दे रखा था, क्या दे रखा था, चलो कोई नहीं 120 रख लो इसको, 120 दे रखा था ना, जो क्वेश्चन में 120 दे रखा है पक्का, एक बार चेक कर लो, गलत, ओनली 20 दे रखा है, ठीक है गाइस ये थोड़ा ठीक कर लेना, ये 20 दे रखा है, वो मैंने गलत 120 पढ़ लिया, क्वेश्चन में 20 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में जो नॉन लेबर इनकम दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 20, ये 20 दे रखा है, ठीक है, 20 माइनस का 12, आर कितना है 16 स्क्वायर, 20 माइनस 16 में से 4 गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो यूटिलिटी कितनी आ गई 4, तो यूटिलिटी आ गई मेरी 4 व्हेन व्हेन आई एम डिसाइडिंग टू नॉट टू डू एनी वर्क, ठीक है। ये कब की बात कर रहा हूं, जब मैंने इस बच्चे की बात मानी, जिस बच्चे ने मुझे कहा कि सर बगैर पैसे को तो हम किसी से बात, जनरली बात है, हम क्यों करें किसी के लिए कोई भी काम, है ना, बिल्कुल ठीक है, थंब रूल है नो वेज नो वर्क। अब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं भाई, अगर मैं इसको ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे सॉल्व करूं, ठीक है, खुद को ऑप्टिमाइज करूं तो खुद पे ऑप्टिमाइज पे क्या होगा, एम आर एस इक्वल्स टू डब्ल्यू आएगा, टेक्निकली एम आर एस इक्वल्स टू, अब जनरली सोचो एम आर इक्वल्स टू क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, अब समझना समझना, एम आर इक्वल्स टू डब्ल्यू आएगा, और एम आर कितना होगा इसका,
MUR अपॉन में MUC. MUR कितना गाइस आपको पता होना चाहिए, माइनस का 2 इंटू 12 माइनस का R इंटू माइनस का 1, दिस इज MUR और MUC इज 1. तो टेक्निकली ये कट गया, तो इट इज ट्वाइस ऑफ 12 माइनस का R बाय 1. एंड एट इक्विलिब्रियम W क्या है, W क्या है, जीरो. भाई वो तो जीरो रहेगा ना, बात अलग है कि हम जानबूझ के जीरो में इसको ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व कर रहे हैं, बट कर लेते हैं ना, देख लेते हैं ना यहाँ पे क्या आएगा. तो 2 into 12 दिस इज इक्वल टू W और 12 माइनस का R इक्वल टू W वो इक्वल टू जीरो, जीरो गाइस और R कितना आ गया 12. यानी अगर मैं W इक्वल टू वेज जीरो पर, W इक्वल टू जीरो वेज पर खुद को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूं, तो तब भी रेस्ट कितना आ रहा है 12. अगर रेस्ट 12 आ रहा है तो अगेन मुझे फिर बताना, अगर रेस्ट 12 आ रहा है इसका मतलब मैं वर्क कितना कर रहा हूं, 4 घंटे. लेकिन मेरी कंजम्पशन ऑब्वियसली बात है इनकम पे डिपेंड करती है, दो तरह की इनकम होती है, वर्किंग इनकम नॉन वर्किंग इनकम. क्या मेरी यहां पे जो वर्किंग इनकम होगी, क्या मेरी वर्किंग इनकम कुछ होगी, मैं 4 घंटे काम करूं, मुझे कितने दे रहा है वो 4 घंटे काम करके पैसे, एनजीओ में जा रहा हूं फ्री जा रहा हूं ना, एनजीओ वाले एनजीओ में जा रहा हूं ठीक है, और 4 घंटे मैं मान लो पढ़ा रहा हूं वहां पर जाकर, कितना दे रहा है मुझे, कुछ नहीं दे रहे. इसका मतलब अगेन मेरी कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगी, नॉन लेबर इनकम पे. भाई वही बात है, भले मैं एनजीओ में काम करूं जो घर वाले दे रहे हैं, इसलिए तुमने कभी देखा होगा जो बहुत हाई फाई रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो जनरली उनको काम करना होता है, उनको काम करना होता है, लेकिन उनको मनी से मैटर नहीं होता कुछ भी, कहते नहीं हमें काम करना है, खुद को सेटिस्फाई करना है ठीक है. तो फिर एनजीओ में तुम देखना, कोई भी ऐसा बंदा जाके काम नहीं करेगा जिसके घर में किचन, जिसके किचन में आटा नहीं है, वो जाके एनजीओ में अपना पूरा टाइम दे रहा, वो काम ही नहीं करेगा वहां पे, वो काम ही उसी जगह करेगा जहां से इनकम आएगी. तो एनजीओ में मोस्टली लोग कौन से मिलते हैं, जनरली एनजीओ वालों की मीटिंग सीसीडीज में भी हो जाती है, सबसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में हो जाती है, और वहां पे बोले वही लोग बिल पे कर रहे होते हैं जो एनजीओ के पार्ट होते हैं ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से पैसा. क्यों, क्योंकि उनको नॉन लेबर इनकम होती है 20, राइट. अब जरा समझिएगा, नाउ इफ आर इज 12 एंड एन इज 20, सो व्हाट अबाउट माय यूटिलिटी, कंजम्पशन है 20 और ये है 12, सो यूटिलिटी कितनी आ गई 20, राइट. नाउ कंपेयर योर यूटिलिटी, विच वन इज ग्रेटर, ये बेटा ये तो ज्यादा होगी, बात समझ में आ गई. यानी कहने का मतलब है बेटा, अगर आप ये थंब रूल फॉलो करते हो तो आपकी जो यूटिलिटी आएगी वो आएगी 4, और आप अगर ऑप्टिमाइजेशन फॉलो करते हो यानी जीरो वेज होने पर भी यूटिलिटी 20, यानी आप तब भी 4 घंटे काम करो तो आपकी यूटिलिटी ज्यादा आ रही है. दिस इज द प्रूफ दैट कि जो आपके फ्रेंड्स आर्टिकलशिप कर रहे थे, या मैं अपनी बात करूंगा गाइस, मैंने भी गुलामी वाली इंटर्नशिप करी है, यू बिलीव मैंने भी करी है. मैं जब सेकंड ईयर था ऑफ माय ग्रेजुएशन, तो मैं नीति आयोग में इंटर्नशिप कर रहा था ठीक है, नीति आयोग में. सच में गुलामी वाली थी, बहुत ज्यादा थी कि जिन इकोनॉमिक्स के अंडर में रिसर्च कर रहा था ठीक है, वो क्या करते थे, तो मुझे सुबह 7 बजे बुलाते थे कहां पर, रिठाला. क्यों, क्योंकि रिठाला साइड रहते थे, उस टाइम मेट्रो बन गया था रिठाला का स्टेशन, तो वो रिठाला साइड रहते थे, तो वो 8 बजे एंट्री होती थी वहां पे नीति आयोग में. तो क्या होता था कि मुझे रिठाला बुलाते थे कि समीर आ जाओ, और वो बड़े आदमी तो गाड़ी से, मतलब कार से जाते थे, तो मैं मेट्रो से वहां जाता था रिठाला पे, उनको वहां मिलता था, वो अपने घर से आते थे कार में, और हम कार में वहां से नीति आयोग जाते थे. मतलब जहां जहां में सेंटर, जहां जहां में ऑफिस थे, कभी हैबिटेट सेंटर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं ठीक है, कभी किसी बैंक में जा रहे हैं हम लोग राइट काम करने, तो रिठाला से मैं मेट्रो तक वहां तक जाता, फिर मैं कार में उनके साथ बैठ के फिर जाता था, और सुबह से शाम, तो शाम को यही होता था कि वो मुझे रात को 8 बजे 9 बजे वही जैसे भी निकलते थे, ट्रैफिक इतनी दूर से ट्रैफिक आते रिठाला तक 2 घंटे में मतलब वहां तक पहुंचते थे, फिर वहां से अच्छा से मैं बाय कल मिलते हैं, फिर वहां से मेट्रो से यहां तक आता था. तो टेक्निकली अगर मैं रिठाला ना जाता होता तो मेरा आसानी से
एक घंटे में ऑफिस से सीधा ही आ जाता, मुझे 3 घंटे लगते थे ऑफिस से, पहले डाला जाता था, पहले डाला था, पहले हिफड़ी आता था मैं। तो गुलामी वाली इंटर्नशिप मैंने भी करी, लेकिन मैंने क्यों करी है आप समझ सकते हो, वो नॉलेज। मुझे कुछ नहीं दिया जाता था, मेट्रो के किराए मेरी जेब से जाता था, तो मेरी यूटिलिटी बड़ी है और आपके सामने हूं मैं। आपने क्या, आपको क्या लगता है कि ये हॉलैंड वेरिएंट पढ़ के मुझे नॉलेज आई है? वो एक इकोनॉमिक्स थे, वो MIT से पास आउट थे, MIST मैसाचुसेट्स से पास आउट थे। यार इतनी इकोनॉमिक्स मैंने सीखी उन लोग उनसे, उन सर से, ठीक है, उन सर से इतनी इकोनॉमिक्स सीखी है। ऐसी सब चीजें जितनी अभी, ये तो चलो बहुत बच्चों वाली चीज है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूं, बिल्कुल बच्चा चीज है, बहुत हाई लेवल डिस्कशन। और जब मैं तुमसे कहता हूँ ना कि मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने इन्वेंशन कराया, मेरी हर इन्वेंशन मतलब उनके बाद ही है। मैंने जो भी कुछ सोचा उनसे डिस्कस किया, उनका समय सही सोच रहे हो, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। मौके मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने जीरो वेस्ट पे काम किया। इवन आज भी वो मुझे कोई चीज भेज देते हैं कि समीर ये जरा एक आर्टिकल भेज रहा हूँ इसको, ये 20 पेजेस का है, 30 पेजेस का है, इसको आधे पेज का बना के भेज दो, वही है पढ़ के समरी करके भेज दो मुझे। मैं फ्री में आज भी काम करता हूँ उनके लिए, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंगल रुपी नहीं लेता मैं उनसे। क्योंकि उनसे मुझे क्या मिली है, नॉलेज, और आज भी नॉलेज मिल रही है, और आने टाइम में मुझे मुझे नॉलेज खूब मिलेगी अगर मैं कॉन्टेक्ट में रहता हूँ। तो मेरा पॉइंट यही है, ठीक है। वो आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर नीति आयोग में कैसे जा सकते हैं, बता दो, बता दूंगा नीति आयोग में कैसे जा सकते हो। हर महीने की 10 तारीख में फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भर देना नीति आयोग के। अगर अभी तो रहने देना, सेमेस्टर 3 में तो मत करना, सेमेस्टर 4 में कर लेना, स्टार्टिंग में 1-2 महीने जो इंटर्नशिप कर लो आप लोग, ठीक है। हर महीने की 10 तारीख तक फॉर्म भरे जाते हैं नीति आयोग के, पहले फॉर्म भर लो, फिर वहां पे आगे सोर्स में लगवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। मेरे बहुत सारे बच्चे वहां पे गए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन, अच्छा ये कंटिन्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैं भी, मैं इंटरेस्टेड किस बात में हूँ। नहीं रॉन्ग कोई भी नहीं ब्रदर, रॉन्ग कोई नहीं है, बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, मैटर कर रहा है कि यूटिलिटी किससे ज्यादा हो रही है। एंड ऑफ द डे व्हाट व्हाट व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव, टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी ना भाई। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी, तुम देखो ये हो रही है, मैं ये मैक्सिमाइज हो रही है, ठीक है बेटा। चलो अब इसका बी पार्ट गाइस, मतलब ये वाला ज्वाइन द वेज रेट इज 10, इसी पैटर्न को सॉल्व करके आप सॉल्व कर लो, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा इसको, ठीक है। मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा, वो तुम लोग सॉल्व कर लोगे। फिर इसका सी पार्ट में कहता है कि अगर नॉन लेबर इनकम 5 हो गई, पहले कितनी थी नॉन लेबर इनकम, 20, पहले कितनी थी नॉन लेबर इनकम 20, अब कितनी हो गई 5, ठीक है, पहले 20 थी और अब नॉन लेबर इनकम हो गई 5, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियस ही बात है बजट कंस्टेंट पे फर्क पड़ेगा, दैट इज डब्ल्यू आर प्लस का पी सी इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस का एन, फर्क ही हो जाएगा। देखो मैंने बनाया नहीं, जब जब एग्जांपल पहले था N20 तो उसकी बजट लाइन अलग बनेगी, फिर ये N5 हो तो उसकी बजट लाइन अलग बन गई, बस कुछ नहीं करना, बना देना है आपको, ठीक है। इसका अगला पार्ट पढ़ लो, फोर्थ पार्ट, फोर्थ मतलब मेरे हिसाब से फोर्थ है, क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड पार्ट है। कहते सपोज ही हैज टू पे एन इनकम टैक्स ऑफ 20% ऑन ऑल हिज इनकम, ध्यान रखना इनकम टैक्स दिया जा रहा है 20% ऑन ऑल हिज इनकम। तो ध्यान रखना इनकम टैक्स जो दे रहे हैं, जैसे मान लो हमारी ओल्ड, हमारी विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स बजट इक्वेशन क्या थी, डब्ल्यू आर प्लस का पी सी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस का एन। डब्ल्यू कितना था हमारा यहाँ पे, अच्छा डब्ल्यू हम लोग यहाँ पे 10 एज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 10 की बात चल रही है, वो तो 0 तो मैंने समझाने के रख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10 R प्लस का C इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 10 × T कितना है 16, ठीक है, T 16 है और N N जनरली 20 दे रखा है, तो कितना हो गया ये 10 R प्लस का C इज लेस देन और इक्वल टू 160, 180, ठीक है 180। यहां मैंने इसकी बजट लाइन बना ली, ये कुछ ऐसा हो गया सी और आर, कुछ ऐसा हो गया, फिर आफ्टर टैक्स
आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स में टेक्निकली 10R+ का सी इलेवन और इक्वल्स टू, उन्होंने बोला है 20% ऑन ऑल हिज इनकम। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नॉन लेबर इनकम जो भी होती है वो भी टैक्सेबल इनकम होती है, मतलब उस पर भी टैक्स लगता है नॉन लेबर इनकम पे, ठीक है। नॉन लेबर इनकम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टैक्स किन पे लगता है किन पे नहीं लगता। उन्होंने अपने चीज को आसान कर दिया ऑन ऑल हिज इनकम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 180 × 1 बेसिकली 0.8। वो टेक्निकल बात है कि 180 में से माइनस कर दो 20% ऑफ 180, तो टेक्निकली यहाँ पे 180 × 0.8 आ गया, जो भी कैलकुलेशन आए तो कितनी आ रही है जब बताओगे मुझे 180 × 0.8। बस इतनी, तो ठीक है 144, टेक्निकली ये 144 आ रही। तो पहले आप देखिए इन दोनों में दोनों क्या फर्क है, स्लोप सेम है, स्लोप कितना है इसका 10, इसका स्लोप कितना है 10, ठीक है, स्लोप कितना है 10 10 यहाँ पे। तो सिर्फ क्या होगा फ्रेंड्स, बजट लाइन बिल्कुल एज इट इज आगे पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सर इनवर्ड होगी कि आउटवर्ड? एक मिनट, क्या बोला आपने, बजट टैक्स लगाया ना, सॉरी बस मैं माइंड में आ गया मेरे कि यार ये बाहर की तरफ क्यों बना रहा, इनवर्ड बिल्कुल ठीक है, इनवर्ड होगी। अच्छा देखो ये आप देखिएगा नॉन, मैं वही चीज सोच रहा था एक मिनट के लिए, मैंने कहा नॉन लेबर इनकम तो अब थोड़ी कम हो जाएगी ना खर्च करने के लिए, क्योंकि 20% टैक्स लग गया। तो देखो पहले नॉन लेबर इनकम 20 थी, अब नॉन लेबर इनकम 20% माइनस हो जाएगी, तो इसलिए आप देखिए यहां पे आएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है, ठीक है। तो ये गाइस एक कंसेप्ट है, बाकी मैं ऑप्टिमम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तो तुम जानते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब गाइस देखो इसके बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सेम पैटर्न पे इन्होंने दे रखे हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ गाइस, ये हमारा ये कंसेप्ट हो गया बाइंग एंड सेलिंग वाला, ये वाला भी डिस्कशन हो गया, मतलब मेजर पोर्शन हो गया, माइनर से बातें, अब जैसे डायग्राम रह गया इसका बाइंग एंड सेलिंग का, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वेट एंड वॉच, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, रेल टू रेल पूछा जाएगा कि विद डायग्राम, और डायग्राम में भी क्या होगा जो तुम सोच रहे हो तो कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा अब अगली क्लास के लिए। अच्छा मैंने वीडियो में डायग्राम का डिस्कशन कर रखा है अजय, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर कुछ डिफरेंट बातें हो, थोड़ा सा लेवल हो, मुझे लगता है कि डायग्राम बहुत हाई टफ नहीं है, वो वीडियो में भी हो गया, बट हाँ एक बार जरूर डिस्कस करूंगा अपने पॉइंट से, ठीक है। अच्छा अब सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी मेरे साथ में, ठीक है ना गाइस, हम ये ट्राई करेंगे कि इंटर टेम्पल च्वाइसिस का चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक का, इंटर टेम्पल च्वाइस, उसके लिए मैं उसके पहले वीडियोस अपलोड कर दूंगा, वीडियोस अपलोड नहीं है उसकी इंटर टेम्पोरल च्वाइसिस की, ठीक है, मैं आज शाम तक उसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा आपके पोर्टल पे, आप उन वीडियोस को अच्छे से एक बार जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी, ठीक है, फिर इस क्लास को अटेंड कर लेना आप, देन फिर क्या होगा गाइस मजे आ जाएंगे, उससे क्या होगा मुझे दो क्लास लगेंगे तीन तीन घंटे की, ढाई घंटे की मान लो, ठीक है, ढाई घंटे की मान लो, तीन क्लासेस बहुत है, 5 घंटे हमारा असाइनमेंट खत्म हो जाएगा इंटर टेम्पल च्वाइसिस का, राइट, ओके। सो आज के क्लास में इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई बात करनी हो मुझे बता सकते हो, कोई भी डिस्कशन, एनीवन, चलिए शायद नहीं पूछ रहे ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।